So, good evening, everyone. Kindly acknowledge the voice is audible or not. Yes, Shrikant, you're audible. Okay. So, if anyone deployed the CM, then please share your screen so that we will start with the admin task. Do anyone deployed CM or not? No one today. किसी ने डिप्लॉय किया हो तो कर दो शेयर। If anyone deployed, then please share so that we will start with the admin task. Okay. If Miss I हेलो, miss, हाँ बोलिए. आई हैव थोड़ा फाइनल स्टेज पे चल रहा है, लाइक 5 मिनट्स कंप्लीट। अच्छा, ये सुअर नानी कर दिया है। ओके, ओके. रोल्स में जाओ. रोल्स नाउ इट लुक्स गुड. ओके, मींस दिस रोल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो लुकिंग गुड. यू हैव टेकन द थ्री डेटा नोड्स ऑन सेपरेट मशीन, देन यू आल्सो पुट द सीएम सर्विसेज ऑन द डेडिकेटेड होस्ट. एनएन एंड एसएनएन, वेर इज योर एसएनएन? Okay, NN and SNN are both on different machine. Okay, so it looks good. Okay, we will start. And HDFS gateway also you have taken. YAN gateway also you have taken. YAN gateway is not there, right? YAN gateway you have not taken yet. So we will take the YAN gateway. Okay, can you आप क्या कीजिए, क्लाउड एरा मैनेजर के होम इंटरफेस पे आ जाइए सुवर्णा जी. YAN में जाइए. अभी YAN का गेटवे ऐड नहीं है ना, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए खुद को. ओके, ध्यान में जाइए, ध्यान में जाइए. इको आवाज हो रहा है ना? इको आवाज हो रहा है ना? तो क्या कीजिए, जिसने अभी म्यूट किया है क्या अनम्यूट किया कीजिए, है जिसने अभी वो म्यूट म्यूट किया कर है लीजिए, तो तन वो नोट से कर. म्यूट कर लीजिए, तन वो नोट से कर. अनम्यूट कर लो, आवाज इकोरी. अनम्यूट कर लो, आवाज इकोरी। वो वो सुवर्ण जी का ही हो रहा है सर. सुवर्ण अधिकारी हो रहा ओके, है। ओके, डिस्टरबेंस हो रहा है ना डिस्टरबेंस हो रहा सबको? है ना सबको? सुवर्ण जी आप अपने को खुद सुवर्ण को जी आप म्यूट कर अपने को लो. हाँ, इको इको हो रहा है तो बाकी इको हो समझ रहा नहीं है तो पाएंगे. बाकी समझ आप नहीं म्यूट पाएंगे। पे रहिए. आप म्यूट पे रहिए। ओके, थैंक यू. हाँ, अब यान का गेटवे कैसे ऐड करना है सबको तो पता है, राइट? यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए हमने क्या किया. यान के सर्विस पे क्लिक किया, फिर वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है इंस्टेंस. इंस्टेंस में जाने के बाद वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड रोल इंस्टेंस. इन ऐड रोल इंस्टेंस यू विल गेट दिस गेटवे रिसोर्स मैनेजर, वो वाला ऑप्शन मिलेगा. फिर हमें गेटवे ऐड करना है तो आप क्या कर रहोगे, गेटवे पे क्लिक करेंगे और जिस पे गेटवे मशीन बनाया है अपने उस पे गेटवे डालोगे. सुवर्णा जी जो फर्स्ट मशीन है ना आपका, हाँ वो है गेटवे. तो देखो इन्होंने क्या किया है, एक मिनट वेट करो. यहाँ पे देखो आप वो जो जी दिख रहा है ना उस पे एरो लेके जाओ, गेटवे पे कर्सर लेके जाओ. ये देखो हाई का गेटवे, HDFS का गेटवे दिखाइए सुवर्णा जी. HDFS नहीं, उधर ऊपर उसी मशीन पे HDFS का है ना, वो उसी मशीन पे है. ऊपर 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 जो 13 वाला मशीन है ना आपका, 13 वाला ऊपर. कॉर्नर पे, हाँ 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 कॉर्नर पे. वो, हाँ ये देखो ये HDFS का गेटवे इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है. हाईवे का गेटवे है और ये भी गेटवे, ठीक है? तो अच्छा किया इन्होंने क्लस्टर. तो और अभी यहाँ का गेटवे भी हमने ऐड किया है. ओके, सो ऑल द गेटवेज आर ऑन द सेम मशीन. तो रिसोर्सेस की लिमिटेशन के कारण हमें क्या करना पड़ रहा है. ओके, सो रिसोर्सेस की हमारे पास लिमिटेशन है, यानी कि कितने रिसोर्सेस है. 1 2 3 4 5 6, 5 होस्ट है हमारे पास, राइट? सो ड्यू टू दैट वी हैव दिस टेकन द नेम नोड एंड दिस सर्विसेस ऑन द गेटवे मशीन. ओके, नहीं तो क्या होता है, अगर आपके पास होस्ट ज्यादा है और आप प्रोडक्शन ग्रेड बना रहे हो, सो यू हैव टू कीप योर गेटवे मशीन ऑन डेडिकेटेड होस्ट. एंड गेटवे मशीन पे आपका ये दूसरा कुछ आना नहीं चाहिए. ड्यू टू रिसोर्स लिमिटेशन ओनली वी आर पुटिंग लाइक दिस. ओके, ओके कर लेना आप.
सुवर्णा यू कैन कंटिन्यू। हाँ ओके अभी कंटिन्यू करो इसको डायरेक्टली। नहीं 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 कंटिन्यू नीचे से कंप्लीट होने दो। वो नॉट सिक्योर ही दिखाता है जायन, वो हमने टीएलएस एसएसएल अभी तक इनेबल किया नहीं है, तो टीएलएस एसएसएल नहीं करेंगे तो नॉट सिक्योर ही बताएगा, सबका नॉट सिक्योर ही बताएगा तब तक, ठीक है। टीएलएस एसएसएल उसको कॉन्फिगर करना पड़ेगा, फिर वो जो नॉट सिक्योर है वो हट जाएगा, वहां पे लॉक आ जाएगा, ठीक है। टीएलएस एसएसएल का होगा सेशन आपका, यान का जो अभी दिख रहा है ना सुवर्णा, ये यहाँ पे जो ब्लू ब्लू कलर का आइकॉन रिस्टार्ट स्टेल कॉन्फिगरेशन का, हाँ तो इसको क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन को रीडिप्लॉयमेंट नीडेड बोल रहे हैं, तो ठीक है क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन को रीडिप्लॉय कर देना। ओके रीडिप्लॉय योर क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक ऑन इट, यस क्लिक क्लिक रीडिप्लॉय क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन करना था, किया किया आसिफ किया। तो हमने क्या किया है याद कर ऐड किया है, ओके सुवर्णा कल आप मेरे लैब में थे क्या इवनिंग के? यस सो कल हमने एक फाइल हायू में फाइल अपलोड किया था। हाँ फाइल है क्या आपके पास? फाइल है क्या आपके पास? नहीं वो नहीं है सर। ओके तो अभी आप ये ब्राउजर से लॉगिन हो, ये ब्राउजर से लॉगिन हो या एप्लीकेशन के थ्रू? या एप्लीकेशन के थ्रू जूम लॉगिन किया, नहीं ब्राउजर से। ओके ओके So, आपका कोई ग्रुप है व्हाट्सएप का या कोई फ्रेंड है? ये आपके लैब में से, ठीक है बैच में से, तो उनको बोलना कि आपको फाइल सेंड, बोलना कि आपको फाइल करो 27 पार्टिसिपेंट में से, अगर कल की जो फाइल जिसके पास है ना पार्थ नाम की जो बनाई थी तो सुवर्णा जी को सेंड कर दो, ठीक है। हाँ सुवर्णा जी को कल की फाइल सेंड कर देना जल्दी से। हाँ बोलिए, वो ग्रुप में है ना वहां से डाउनलोड करने बोला। सुवर्णा जी ग्रुप में से डाउनलोड करके कर सकते तो करो, वहां से को एक ग्रुप होगा आपका, ठीक है। पार्टीशन वाली क्या सर? पार्टीशन वाली, यस यस कल जो भेजा था वो, राइट भेजो क्या मैं अभी इसको चैट में? नहीं वो चैट में नहीं ढूंढ पाएंगे, उन्होंने ब्राउजर से लॉगिन किया है, वो ग्रुप में वगैरह व्हाट्सएप पे भेज दो, राइट सेंड कर दिया ग्रुप पे मैंने। ओके थैंक यू, एक बार स्टार्टिंग में देख लेंगे हाई का थोड़ा, क्योंकि कल जो लैब में नहीं था मेरे तो उसका भी रिवीजन उसको पता चल जाएगा कैसे करना है, जो थे लैब में उनका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, एक दोन और ज्यादा कमांड हम देख लेंगे तो उनको ज्यादा भी नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। उनको स्टेल करना था, लेफ्ट कर दिए थे उन्होंने, ये स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दिया के? स्टॉप कर दिया उन्होंने, मिनट वेट करेंगे, अगर फिर से नहीं शेयर करते तो कोई दूसरा रेडी रखना, ठीक है। यस सर यस। कल सर बेसिकली क्या टॉपिक हुआ था? हम लोग दूसरे रूम में थे, कल का थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ मैं, अभी वही रिपीट कर रहा था तो आपको पता चल जाएगा, अभी कल का ही रिपीट कर रहा था। ओके यस सर। किसी और किसी का डिप्लॉय था क्या? डिप्लॉय हो गया क्या? तो शेयर कर दो, इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग रहना चाहिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा इसलिए प्लीज शेयर द स्क्रीन। ओके इफ एनीवन डिप्लॉयड द सीएम
मेरे पास भी है डिप्लॉयड, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, अगर आप खुद करेंगे ना शेयर और आप परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल, तो आपका ना प्रैक्टिस हो जाएगा किसी एक का वही के वही। हाँ वो एरर भी ज्यादा आएंगे और ज्यादा सीखने मिलेंगे उसमें। हाँ तो आप, हाँ बोलिए, करो मैडम करो जी। शेयर करती हूँ, मेरा वो रोल असाइनमेंट तक आ गया है, ठीक है ना? ठीक है करो। यहाँ पे एंटायर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? दिख रहा है क्या गाइस? हाँ दिख रहा है, विजिबल है। यस बाकियों को विजिबल? हाँ ओके। वो तो यहाँ पे दिख रहा है ना? दिख रहा है, ये रोल डिस्ट्रीब्यूशन का पेज दिख रहा हाँ है। यहाँ पे हूँ मैं अभी। इसको अभी पता नहीं है ना ये रोल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? तो देख लो, ठीक है कैसे करना है। तो सीएम का मशीन कौन सा है आपका? 194 है क्या सीएम सर्विस का? सबसे हाँ पहले वन क्या कर, नाइनटी फोर 194 है। सीएम का मशीन? ओके। यस तो तो उसी सबसे, पे हाँ सीएम की सर्विसेज रखे क्या? हाँ उसी पे सीएम की सर्विसेज रखना है आपको। अच्छा फिर एनएन कहाँ पे रखे? एनएन कर रही थी अभी मैं। नहीं, एक मिनट, ऐसा मत कीजिए। स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में सेग्रीगेट करते टाइम पे ना सीएम की मशीन, पहले सीएम की मशीन पर ले लेनी है, तो आपका ओके हाँ इजी होता है, मतलब बाकी के ऑटोमेटिकली थोड़े थोड़े सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है? डायरेक्टली यहाँ पे जो है ना? हाँ, ओके इस मॉनिटर में यहाँ पे है। ये हाँ उस पर टिक कर लो बस, ओके कर। पेज कहाँ से ओपन किया है वो स्टार्टिंग से बताए ना, कौन सा पेज? ये जो अभी ओपन किया है रोल ये डिस्ट्रीब्यूशन डिप्लॉयमेंट का। है, ये डिप्लॉयमेंट ये है। डिप्लॉयमेंट है, और ये व्यू बाय होस्ट दिख रहा है ना ब्लू कलर में, ये व्यू बाय यस होस्ट, यहाँ पे क्लिक किया सर। था, यहाँ पे क्लिक किया तो आता है एक्टिविटी मॉनिटर। नहीं ये छोड़ दीजिए, ये होस्ट मॉनिटर पे जाइए, 194 पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी करना, ठीक है? रिपोर्ट मैनेजर, ये वैसे इनका आप डीडीआर का क्लस्टर है क्या? नहीं, मेरा नहीं 6.2 का रेपो है। कि 6.2 का ओके होगा। इवेंट सर्वर, कस्टम 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 पे क्लिक करना है आपको। तो हमने क्या किया है, सीएम की जो सर्विसेज है ना, ये सीसी में दिख रहा है वो, तो सीसी का मतलब क्या, वो सीएम सीएम की सर्विसेज है, ओके? तो एक में होस्ट मॉनिटर है, ठीक है, दूसरा रिपोर्ट मैनेजर है, एक्टिविटी मॉनिटर है, इवेंट सर्वर है। तो ये हमने क्या किया, एक मशीन पे ला लिया, तो अभी इस मशीन पे हमें सिर्फ सीएम की सर्विस चाहिए, तो डेटा नोड और गेटवे और नोड मैनेजर हम हटा देंगे। तो डेटा नोड अगर हट जाएगा तो नोड मैनेजर भी हट जाएगा, ठीक है? तो डेटा नोड पे क्लिक कीजिए, ये डेटा डेटा नोड पे नोड क्लिक ना? कीजिए। हाँ, डेटा नोड पे सबसे, आप ही ऐसा सीक्वेंस रखो तो जल्दी हो जाता है, ठीक है? तो ओके डेटा नोड हटा दीजिए, हटा दीजिए। और यहाँ से नीचे से भी हटा दीजिए, तीन ही रखना, पांच होस्ट पे है ना डेटा नोड, कोई भी तीन पे रख देना आप नीचे का। हाँ ये एक हटा ये भी दीजिए हटा देते और हैं। ये भी हटा दो। ऊपर देखो ये जो बॉक्स है ना, इसके लेफ्ट के कॉर्नर पे देखो, थ्री होस्ट सेलेक्टेड, तो पहले पांच थे, तो हमारे पास मिनिमम तीन होने चाहिए, मशीन कम होने के कारण हम तीन तीन ही रख रहे हैं, ठीक है? ओके कर दो इसको, हायू का कर गेटवे दिया। हटा दो, हायू का गेटवे, सर सीएम की फाइव, मशीन, फाइव तो की हाई की जगह, जगह वहां से हटा दो। हाँ बोलिए। सर फाइव की जगह 7 मशीन्स रहे अपना, तो भी थ्री हाँ पेड, तब थ्री भी पेड थ्री, तो भी थ्री पे थे, थ्री पे ही रखना, क्योंकि अगर पास 7 मशीन का क्लस्टर है ना, तो आप एक पे गेटवे डाल सकते हो, एक पे सीएम की मशीन डाल सकते हो, दो मशीन हो गए, फिर तीन मशीन पे आपका ये आएगा डेटा नोड, टोटल 5 मशीन हो गए, ठीक है? 3 4 5, और आप दूसरे पे एनएन रख सकते हो और एसएनएन की सर्विस रख सकते हो, 7 हो गए, तो ऐसा कर लेना, ठीक ठीक है? है ठीक मैंने ये कर दिया है। यहाँ से हाइव का गेटवे हटा हाँ लिया, और कहाँ से हाँ हटाना है? बस बस यही से हटाना है, बाकी सब तरफ हाई का गेटवे आएगा, ओके करो। ओके मेटा स्टोर लेना है या नहीं? अभी नेम नोड पे क्लिक करो, ओके ये एनएन हटा दो, यहाँ से हटा एक के काम यहाँ करो, पे वहां रखना है, वहीं पे रहने दो, वहीं पे रहने दो, ओके ओके रहने देते हैं। ओके ओके करो, हाँ ओके करो, एसएनएन पे क्लिक करो, यहाँ पे ले लो एसएनएन, एसएनएन। हाँ दूसरे मशीन पे ले लो। ठीक ओके बैलेंसर एनएन पे वही रहेगा। पे, हाँ बैलेंसर वही पे रहेगा। आप एक मिनट, जूकीपर में जाओ, जूकीपर नीचे स्क्रॉल डाउन करो,
ठीक है, तीन जू कीपर रहेंगे लेस देन, अगर आपके पास 50 नोड का क्लस्टर है सो मिनिमम जू कीपर रिक्वायर्ड सजेस्टेड बाय क्लाउडी राइस 3, ओके तो 3 जू कीपर आपको रखना है. सो आप एक एनएन पे रखना, बोले एनएन और एक डीएन पे रखेंगे ठीक है. हाँ, एक एसएनएन पे रखो, एक एसएनएन पे रखो, और जो ये वाला मशीन है ना डेटा नोड पे मत रखो, यहाँ पे रख दो ये वाला, वही पे राइट. इस पे हम लोग गेटवे रख सकते हैं ना, इस पे गेटवे, हाँ इस पे गेटवे बनाएंगे ठीक है. अभी इस पे दूसरी सर्विस मत एंटर करना ठीक है, ओके ओके. और ह्यू में जाओ, ह्यू लोड बैलेंसर में जाओ, यहाँ से हटा दो, यहाँ पे लोड हो रहा है ना ज्यादा, तो ये हम थोड़ा हटा देंगे ठीक है. स्क्रॉल डाउन करो, ये एसएनएन पे डाल देना, उधर यू का जो है ना यू सर्वर वो भी हटा दो, यहाँ वहां से वहीं पे डाल देना लोड बैलेंसर के साथ. यू सर्वर और लोड बैलेंसर एक ही साथ रहता है ठीक है. स्क्रॉल डाउन करो और उजी लो, उजी उजी भी उसी पे डाल दो एसएनएन पे. तो अभी बैलेंस हो रहा है राइट, ये आरएम आरएम एनएम और जीएचएस है ना वो हटा दो, वो तो डिफॉल्ट रहे, यहाँ पे रहेगा ना ये, क्या बोल रहा है ये हटाए दो. हाँ एक मिनट में आपको बताता हूँ कहाँ पे रखना है आपको, जस्ट से डेटा नोड पर रखना है, एनएन पे रहेगा ना आरएम. एक मिनट एक बताता हूँ मेरे आरएम, आपकी जो आरएम सबसे पहले तो ये देख लो, जो आरएम है ना रिसोर्स मैनेजर, बाद में जॉब हिस्ट्री सर्वर, और ये आपके सारे यान के डीमन है ठीक है. यस हाँ, यान के सर्विसेज के, तो आपको ये तीनों भी एक ही जगह पे रखने पड़ेंगे. फिलहाल नहीं, एनएन पे मत रखो, एनएन पे पहले ही लोड ज्यादा हो गया, आपको मैं बताता हूँ, वेट जस्ट अ मिनट. ओके, डेटा नोड पे रहने दो. नहीं, रिसोर्स मैनेजर कैसे डेटा नोड पे रख सकते हैं, इट्स मास्टर डीमन, मास्टर डीमन है पर उस पे लोड ज्यादा हो गया ना. नहीं, मशीन बड़ा है अपना, 30 GB का तो चल जाएगा आई थिंक. ठीक है, रहने दो वहां पे आरएम जीएचएस आरएम एनएम नोड मैनेजर पे रहने दो ठीक है. फिर आरएम के साथ वेट 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 नोड मैनेजर, नहीं नोड मैनेजर की जरूरत नहीं, डेटा नोड, हाँ वो छोटा, हाँ बस 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 ठीक है, आप सही कर रहे हो. बोलिए कौन बोल रहा है, व्यू बाय होस्ट करो एक बार, यहाँ पे जहाँ पे आपने वो जो कीपर लगाया ना वहाँ पे डाले ना ऐसा. नहीं, यहाँ पे मुझे गेटवे बनाना है HDFS का और यान का, इसलिए हाँ वो जो गेटवे का मशीन है ना, गेटवे पे दूसरी सर्विस हम नहीं रख सकते ठीक है, तो इसलिए हाँ अगर उस पे लोड भी कम है तो गेटवे के लिए सेपरेट मशीन रखना पड़ेगा, तो गेटवे पे हम केवल जू कीपर रख सकते हैं और फिर दूसरी कोई मशीन नहीं करेंगे ठीक है. जस्ट अ सेकंड यार, आपने रिसोर्स मैनेजर मास्टर होस्ट 1 में रखा है क्या? एनएन के साथ एनएन है वहां पे. हाँ ठीक है, वही वही बराबर है. हाँ वहां पे रिसोर्स मैनेजर जॉब हिस्ट्री सर्वर रखा है ना आपने. ठीक है, एक सेकंड वैसे ही रहने दो, स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा, स्क्रॉल डाउन करो, बाकी तो डेटा नोड है. ओके ओके, वेट वेट, आप सब लोग देख लो ठीक है. तो इन्होंने कैसे किया, सीएम की सर्विस है यहाँ पे हमारे एक होस्ट पे, जहाँ पे इनका सीएम का मशीन है, तो सीएम की जो सर्विस मॉनिटर, होस्ट मॉनिटर, रिपोर्ट मैनेजर, इवेंट सर्वर, अलर्ट पब्लिशर, ये सीसी दिख रहा है ना, वो सीएम की सर्विस अपने को एक जगह पे लेना है. एनएन और एसएनएन दोनों अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में अलग अलग होस्ट पे रखना है. जो एनएन दिख रहा है 189 पे एंड एसएनएन होगा 250 पे, तो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में अलग अलग जगह पे हमने रखा है राइट. सो बाद में बैलेंसर एनएन के साथ होता है और ये बाकी तो ठीक है ठीक है. और गेटवे भी बनाया हमने 69 पे, इसे क्लोज कर दीजिए. नहीं, अभी तक HDFS का गेटवे बाद में बनाएंगे ना, वो तो सर. वो बाद में, अभी कंटिन्यू कर दीजिए इसे. झुकी पर ले लिए ना तीन? हाँ ठीक है, ओके कंटिन्यू कंटिन्यू करो. यहाँ पे हाई हाई करो सर, 6.2 में ना मिनिमम जू के पर 5 दिखाता है वो आगे एरर. नहीं नहीं, तीन ही दिखाते हैं, तीन ही तीन ही तीन ही. वो जो एरर नहीं होगा, कुछ ना कुछ जो सजेस्ट कर रहा होगा कि 50 के ऊपर है तो 5 रुको. हाँ अच्छा, अगर आपके 50 नोड का क्लस्टर है 50 नोड का, तो 3 जू के पर चलते हैं ठीक है. 50 नोड के ऊपर अगर होगा तो आपको 5 लगेंगे. आरमेन यू करो, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करो. ये ले रही हूँ अपना डेटाबेस का आईपी. ये जो ये आप इस पेज पर ये जो यहाँ पे लिखा है ना, डेटाबेस का आईपी एंटर करना पड़ता है ठीक है, FQDN डेटाबेस होस्ट नेम लिखा है, देखिए वहां पे ठीक है.
लगाया है वहां कर रखो झुकी पर बता दो ठीक है। आपका टेस्ट कनेक्शन नहीं आ रहा है क्या? नहीं थोड़ा टाइम प्रोसेसिंग आज एक बचा है बस तो कर दो। डायरेक्टली कंटिन्यू कर दो ये पेज के ठीक है। दो मिनट तीन मिनट लगते हैं यहाँ पे सब स्टार्ट होने में, ढाई से तीन मिनट लगते हैं। तो किसी का क्वेश्चन होगा अभी तक हमने जो किया रोल डिस्ट्रीब्यूशन तो आप पूछ लो अनम्यूट करके। हम जो रोज प्रैक्टिस करते हैं 5.16 से तो यहाँ से थोड़ा इंटरफेस चेंज हो रहा है ठीक है, क्योंकि वो 6.2 का इनका रेप होता तो 6.2 का डिप्लॉय किया इन्होंने ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा चेंज दिख रहा होगा आपको तो उसका ज्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ आपका वर्जन अलग है बाकी दोनों में सर्विसेज तो थोड़ी थोड़ी सेम ही है ठीक है। श्रीकांत भाई हाई के गेटवे पे कितना मशीन रखना है? आयु के गेटवे पे नहीं, गेटवे का मशीन है तो उस पे आयु का गेटवे रखना है और एचडीएफएस का गेटवे रखना है, सिर्फ मतलब जितने गेटवे के मशीन है वहां पे उतने गेटवे एचडीएफएस का यान का और आयु का गेटवे रखना है। देखो किसी ने पूछा था नॉट सिक्योर क्यों दिखा रहा है, सो सुवर्णा का जब था शेयर स्क्रीन तब इनका भी देखो नॉट सिक्योर ही दिखा रहा है ठीक है, तो ये टीएलएस एसएसएल इनेबल करना पड़ेगा। तुम्हारा वो सेशन हुआ था ना टीएलएस ये राउट 53 का और एक वेब एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय करना है एडब्ल्यूएस में, आनंद सर ने दिखाया था वो सेशन में आप पूछ रहे थे हाँ, तो उसमें आपने वो किया था देखो लोकल एक इनेबल किया था उन्होंने ठीक है, आई थिंक किया होगा वो आगे चल के होगा सेशन आपका और एक बार तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगी। वेबसाइट का एक डोमेन नेम लिया होगा फिर ये TLSSL इनेबल किया होगा उसपे। हाँ सही है जैन HTTP के पोर्ट से वो लिसन कर रहा है तो HTTP का पोर्ट अपना सिक्योर नहीं है, HTTPS से अगर होता तो अपने का जो पोर्ट नंबर है ना वो भी 7183 लगता ठीक है, वो 7180 से जो लिसन करता है HTTP का CM का क्लाउडेरा मैनेजर का ठीक है, पोर्ट नंबर है 7180 HTTP के लिए और सिक्योर अगर लेयर पे करना है तो 7183 यूज होगा अगर आप TLSSL इनेबल करते हो ठीक है, तो 7180 के जगह 7183 करना है तो ऑर्गेनाइजेशन पे भी 7180 यूज नहीं करेंगे आप ठीक है, पोर्ट नंबर 7183 यूज करेंगे HTTPS से थोड़ा सा है ना दो मिनट रुको वो ऑटोमेटिक ये कर लेगा सिंक्रनाइज कर लेगा ठीक है, कुछ मत करो क्लस्टर को वो सिंक्रनाइजेशन हो जाएगा। क्लाउड एरा मैनेजर का नीचे का जो फोर स्पैनर आए है ना वो स्पैनर्स को हटा दो सप्रेस कर दो। ये क्लाउड एरा मैनेजर जो आपका ये जो ग्राफ अभी नहीं दिख रहे ना पीछे देखो
क्लस्टर डिस्क आईओ, ये कुछ दिख रहा नहीं है ग्राफ, नो डेटा बता रहे। तो ये सब विजुअलाइजेशन का काम ना क्लाउडेरा मैनेजर ही करता है, और HDFS में भी थोड़ा इश्यू आ रहा है। तो क्लाउडेरा मैनेजर का ये कर दो, स्पैनर को सब प्रेस कर दो, तो ठीक हो जाएगा। और इसके बाद HDFS का और यान का गेटवे ऐड करना, ठीक है? इसको पता नहीं है, उनको बता के ऐड करना, अनम्यूट करके आप। तो हमें अभी HDFS का गेटवे हम ऐड करेंगे, कभी अभी क्लस्टर डिप्लॉय हुआ हमारा, सो उसके लिए उस पे क्लिक कीजिए। हाँ एक मिनट वेट कीजिए, वेट कीजिए। ये जो 6.2 का है यहाँ पे, ये वाला एरर आता है, ठीक है? एरर तो नहीं है, इरेजर कोडिंग मतलब एरर नहीं है, लेकिन हमें एक नोटिफिकेशन देता है वो कि आपकी यहाँ पे HDFS का गेटवे ऐड करना। अभी कॉन्फ़िगरेशन में जाओ ना। अभी यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, HDFS पे क्लिक किया है। गेटवे ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, इंस्टेंस में जाना है, इंस्टेंस में जाना है। यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे गेटवे का रोल नहीं है कहीं पे भी, नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड, डेटा नोड, ये दिख रहा है आपको। हाँ ऐड रोल इंस्टेंस करो, गेटवे पे क्लिक करो। हाँ गेटवे के मशीन पे गेटवे डाल दो। रीडिप्लॉय करो क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन ऊपर से। क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन रीडिप्लॉय किया, ओके। मतलब अभी आवाज नहीं आ रही क्लियर, जो बता बोल रहा था वो। फिनिश करके यान का गेटवे ऐड कर दो, ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसे कुछ मत करो। यान का गेटवे ऐड करो, वो भी सेम है, ठीक है? इंस्टेंस में जाना है, ऐड रोल इंस्टेंस में जाना है, गेटवे भी सेलेक्ट करके गेटवे का मशीन ऐड करना है यहाँ पे, गेटवे के मशीन पे। तो हमारा HDFS का गेटवे आया है, ठीक है, यहाँ पे, और यान का भी गेटवे आ गया। सबसे पहले तो आपको यही करना है, ठीक है? क्लस्टर डिप्लॉय होने के बाद वर्जन कौन सा भी रहने दो, उस पर HDFS का गेटवे ले लेना है, डिप्लॉय करो। मतलब फाइल सेंड या जो भी इंटरेक्शन है विद क्लस्टर हम इसी मशीन के थ्रू करेंगे ना? गेटवे एक्सेस होगा इन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, यू विल गेट द गेटवे एक्सेस, क्योंकि डेटा नोड, ये गेटवे नोड, गेटवे का जो मशीन है ना वो एक्सेस नोड बोलते हैं उसे, ठीक है? उसे बोलते हैं एक्सेस के लिए, तो एक्सेस सिंबल एक्सेस करने के लिए नोड होता है। क्लाइंट आपका जब भी रिक्वेस्ट करेगा वो अगर कोई आपको भी वर्क करना है तो आप गेटवे के मशीन से एक्सेस करेंगे, ठीक है? ये वाला है ना, ये वाला होस्ट नेम 69 है आपका। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ ये जो HDFS का जो भी कमांड फायर करेंगे हम, ये गेटवे मशीन से करेंगे या फिर NN पर जाके या डेटा नोड के मशीन पर जाके HDFS का कमांड फायर करेंगे? गेटवे के मशीन से कर सकते हैं आप, और गेटवे के मशीन से ही करना है आपको। ओके इसे मिनिमाइज कर दो, गेटवे के मशीन ऐड हो गया अभी, ठीक है? क्लाउडेरा मैनेजर के होम पेज पे आ जाइए, एम पे क्लिक करो क्लाउडेरा मैनेजर के। वो जो ये अलर्ट दे रहा है ना तुमको हायू के आगे, नहीं हायू इधर लेफ्ट का, ठीक है? इसे सब प्रेस करो। हाँ वहां पे देखो, हाँ हेल्थ इशू दिखा रहा है, मेटा स्टोर कैनरी, हाँ इसे सब प्रेस करो, कैनरी सब प्रेस फॉर ऑल मिनट करना था, ठीक है? ओके क्लोज करो इसको, करो ह्यू में जाओ, ह्यू में हमें एक फाइल अपलोड करनी है, ठीक है? तो फाइल अपलोड करने के लिए आपको ह्यू में जाना पड़ेगा, ह्यू का ब्राउजर है आपका, ब्राउजर में जाके आपको वेब UI पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो वेब UI का ऑप्शन है, वेब UI में जाके ह्यू लोड बैलेंस में जाना है, ठीक है? ह्यू लोड बैलेंस से लॉग इन करो, ह्यू करो,
HUE करो, HUE ऊपर। तो हमने क्या किया, यू में क्लिक किया, फिर वेब यूआई पे क्लिक करके जो लोड बैलेंस्ड यू है उससे हमने लॉग इन किया, ठीक है, यू में। सो हम यहां से क्या करना है, यार कैंसिल कर दो इसको, सेव करो, ठीक है। एक फाइल अपलोड करने था, फाइल अपलोड करो, वो जो थ्री थ्री लाइंस दिख रहे हैं ना यू के लेफ्ट साइड में, उसमें क्लिक करना है, ठीक है। वहां पे देखो ऑप्शन, वहां पे क्लिक करो, फाइल्स में जाओ, नीचे नीचे फाइल्स, नीचे फाइल्स ऑप्शन आया है ना आपको, हाँ फाइल्स में जाओ, आपको यहाँ पे अपलोड ऑप्शन मिलेगा, अपलोड राइट में, हाँ अपलोड पे क्लिक करो, सेलेक्ट करो, और जो पार्टीशन की फाइल है वो अपलोड कर दो। पार्टीशन की अपलोड करो या कोई भी चलेगा? पार्टीशन की करनी पड़ेगी, नहीं है यहाँ पे वर्कस्पेस में तो कॉपी करो। तो मैं लेती हूँ, है मेरे पास आपकी फाइल पार्टीशन की। तो इन्होंने कैसा किया, देखो इन्होंने वर्कस्पेस में लॉन्च किया, ठीक है, आई थिंक प्राइवेट आईपी से नहीं किया लेकिन वर्कस्पेस से लॉन्च किया, और इससे पहले जो जिन्होंने स्क्रीन शेयर की थी ना उन्होंने डायरेक्टली किया था। अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो आपको एरर्स आएंगे, स्पीड कम मिलेगी, तो इस तरह इससे अच्छा है आप क्या करो, वर्कस्पेस में लॉन्च करो सारी मशीन, वर्कस्पेस को पब्लिक आईपी दो, जितने भी बाकी क्लस्टर में आपके मशीन है, ठीक है, लाइक डेटाबेस है, गेटवे के मशीन है, कोई भी डेटा नोड्स है, सारे होस्ट को आप प्राइवेट आईपी पे रखो, ठीक है, पब्लिक आईपी सिर्फ पब्लिक इसको देना, और नेट गेटवे ऑफ करो, ठीक है। अगर उसमें कहीं ज्यादा चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि आपका रेपो ऑलरेडी अंदर ही है, तो वही से वो अंदर से अंदर कम्युनिकेट करके रेपो ले लेता है, तो आपको नेट के चार्जेस लगेंगे नहीं ज्यादा। लेकिन एक दो बार ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट में भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी फाइल है, इस पे क्लिक करो, फाइल पे दिख रही है सबको, ये हमारी फाइल है, ठीक है। ये जो है ना, ये फर्स्ट में क्या दिख रहा है, नाम है, नेम, यहाँ पे ASDFL के नीचे देखो नाम है, ठीक है, फर्स्ट नेम है, फिर कॉमा देके उसका रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर को कॉमा देके उसका परसेंटेज है, ये वाली फाइल है। तो इस फाइल को हमें अभी हमने यू में अपलोड किया है फाइल, मतलब फाइल ब्राउजर में HDFS के, तो अभी इसको हमें हायू में डालना है, ठीक है, हायू में टेबल में डालना है। तो इस तरह से कॉमा सेपरेटेड फाइल है, राइट, यहाँ पे जो आपको रिकॉर्ड दिख रहा है इसमें, तो रिकॉर्ड में क्या है, फर्स्ट नेम में आपको नेम दिख रहा है, कॉमा देके उसका रोल नंबर, और ये फाइल है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, किसी भी तरह की फाइल हो सकती है, राइट, ORC फाइल हो सकती है, RC फाइल हो सकती है, सिक्वेंस फाइल, पार्के फाइल, सो एनी टाइप ऑफ फाइल इट इज यू कैन क्यूरी फ्रॉम द हाइव, ओके, बिकॉज हाइव सपोर्ट्स एवरी टाइप ऑफ द फाइल, लाइक टेक्स्ट फाइल, अब ये तो टेक्स्ट फाइल है ना, पार्टीशनिंग डॉट txt, सो हाइव विल सपोर्ट RC, ORC, सिक्वेंस फाइल एंड पार्के फाइल, तो उसमें तो आप कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करो, क्यूरी में चले जाओ, क्यूरी में एडिटर, अभी आपको हाइव में जाना है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डेटा एनालिस्ट का लोगों का काम है ये, ओके, योर डेटा एनालिस्ट टीम विल लॉग इन फ्रॉम दिस ब्राउजर एंड विल गो थ्रू हाइव, ओके, एंड डू द एंड मेक द डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूरी एंड फाइंड आउट द वेरियस क्यूरी एनालिसिस, ओके, सिमेंटिक एनालिसिस भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसमें आप क्लिक करो, एक हाँ डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करो, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हाँ क्रिएट करना है आपको, क्रिएट डेटाबेस करना है, तो क्रिएट करेंगे तो टैब मारना है यहाँ पे, जो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है, स्पेस दो, डेटाबेस स्पेस दो, डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा, ठीक है, तो DB1 दे दो, ठीक है, क्लाउड एज दे दो, क्लाउड एज नहीं तो DB1 दे दो, हाँ क्लाउड एज दे दो, यहाँ पे सेमी कॉलन दो। तो हमने क्या किया, क्लाउड एज नाम का सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, लाइन को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना है, ओके, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं, वहां पे डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड जो है क्रिएट डेटाबेस क्लाउड एज, तो क्लाउड एज नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया, देखना है ना, तो शो डेटाबेस करो, शो डेटाबेस नीचे नीचे का लाइन में, हाँ शो डेटाबेस दो। जब कल थोड़ी समय पहले किसी ने पूछा था ना, ये हमने कल क्या किया था, तो कल यही किया था, ठीक है, वही हम रिपीट करें, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, डेटाबेस हमें दिखा रहा है, ठीक है, नीचे देखो यहाँ पे डिफॉल्ट एक ऑटोमेटिकली बना देता है,
और ऊपर हमने क्लाउड एज बना दिया। अभी और डेटाबेस क्रिएट करना है आपको, कर सकते हो ठीक है, इस तरह से क्रिएट डेटाबेस करके। अभी ये डेटाबेस मेरे को यूज करना पड़ता है, मतलब इसमें टेबल अगर बनाना है तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू यूज, ओके, सो वी आर टाइपिंग द यूज कमांड, यूज क्लाउड एज सेमीकॉलन एंड सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो। हाँ एग्जीक्यूट किया, तो अभी क्या किया, यूज किया, ओके टाइप का एंटर करो। सुवर्णा जी कहाँ एरर आता है आपको सीएमडी में, मतलब कौन से पेज पे क्या, कहाँ पे एरर, कौन से क्या करते समय एरर आ रहा है, वो जरा डिटेल में डाल दो, मैं बताता हूँ ठीक है आपको। सो क्रिएट टेबल करो, टेबल बनाना है अभी इस डेटाबेस के अंदर क्लाउड एज के, तो करो क्रिएट टेबल, कमांड सिंपल है, क्रिएट स्पेस टेबल, टेबल का नाम दे दो, रिजल्ट्स दे दो, रिजल्ट्स दे दो, क्रिएट डेटाबेस में आपका स्पेलिंग मिस्टेक होगा, आप ये कमांड देख लो, क्रिएट डेटाबेस क्लाउड एज ऐसे बना लो, फिर सेमी कोलन दो, फिर उसको सेलेक्ट करो और एग्जीक्यूट करो। आपके सामने कमांड है देखो ये ऊपर फर्स्ट नंबर की, सेम वैसी कमांड डाल देना, एरर नहीं आएगा, आपके सामने एंटर किए ठीक है, तो आपने शायद कोई स्पेलिंग में इधर उधर हुआ होगा या फिर ये सेमी कॉलन नहीं दिया होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम्ड करो, नेम, नेम स्पेस देना है, नहीं स्पेस देना नहीं है, नेम करो, स्पेस दो, स्ट्रिंग डालो, स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ना ये आपका डेटा टाइप है और ये आपका नेम जो है वो आपका स्कीमा है, ओके कॉमा दो, स्पेस दो, नेम, रोल नंबर डालो, रोल नंबर जोड़ के लिखो, नंबर एन ओ कर दो, हाँ बस स्पेस दो, आई एन टी करो, टी कॉमा दो और परसेंटेज करो, भेज दो, फ्लोट करो, फ्लोट, पैरेंथेसिस क्लोज करो, कॉमा मत दो, कॉमा हटाओ, ब्रैकेट बंद करो। हाँ तो हमें पार्टीशन भी बनाना है ठीक है, टेबल में, टेबल क्रिएट करने तक यहाँ तक कमांड है, अब इसमें पार्टीशनिंग से बनाएंगे तो आपको वो भी आइडिया आ जाएगी, पार्टीशन बाय लिखो, ऑटोमेटिकली ले लेगा वो, हाँ टैब मारो, स्पेस दो, पार्टीशन बाय, पैरेंथिस ओपन करो, स्टेट करो, स्टेट भेज दो, स्ट्रिंग टाइप करो, कॉमा दो, सिटी टाइप करो, कैरेक्टर लेंगे सिटी के लिए, कैरेक्टर नहीं स्ट्रिंग डालो। क्या डिफरेंस है श्रीकांत इन दोनों में, अब बताता हूँ, ये हटाओ, अगर ये स्ट्रिंग ना, आपका स्ट्रिंग इसमें यूज होता है हायू में, अगर कैरेक्टर आप यूज करते हो तो कैरेक्टर और इसका क्या, वी ए आर सी एच आर, वेर कैर एंड कैर, कैरेक्टर का सी एच आर, ओके, एंड वेरिएबल कैरेक्टर का वेर चार, वी ए आर सी एच आर, ये वेरिएबल कैरेक्टर का होता है, तो एसक्यूएल में यूज होता है वो, हायू में स्ट्रिंग से चलता है, स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट, तो यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते ठीक है, आपको एरर आएगा, टेबल नहीं क्रिएट होगा आपका SQL का, यहाँ पे करेंगे एंटर, तो ये जो स्ट्रिंग है ना उसका स्पेलिंग सही से करो, ये लास्ट का, ये काम करो, ये जो पार्टीशन ये नीचे ले लो, कट करो, कट, हाँ कंट्रोल एक्स करो, इसको डिलीट करो ये सब, हाँ स्पेस हटाओ, एंटर किया तो चलेगा ना, हाँ एंटर करो, अभी ये करो पार्टीशन बाय स्ट्रिंग, पैरेंथेसिस बंद करो, कॉमा हटाओ, पार्टीशन बाय स्पेस दो, अगेन पार्टीशन बाय, नहीं 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 पार्टीशन बाय नहीं, रो फॉर्मेट डिलिमिटेड डालो, पी हटा दो, हाँ रो फॉर्मेट, रो फॉर्मेट टैब वाला, टैब फॉर स्पेस दो, हाँ टैब, टैब दो, फील्ड्स टर्मिनेटेड स्पेस दो, एफ करके, हाँ बस टैब मारो, क्लाउडेरा, क्लाउडेरा सेमी इंटेलिजेंट फीचर प्रोवाइड करता है राइट, हमें लमसम कमांड भी पता है थोड़ी थोड़ी, तो भी क्लाउडेरा आगे का सब कुछ बता देगा, ओके तो हमने क्या किया, एफ दबा दिया, फिर टैब मारा, डी दबा दिया, टैब मारा, आर दबाया, टैब मारा,
तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी होगा तो आपको पता रहता रहे। बाकी तो क्लाउडेरा हेल्प कर रहे हैं ना आपकी स्पीडिंग वगैरह सब ठीक करने में, तो आपको सिर्फ पता रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है। ठीक है, सो हमने बेसिकली क्या किया है, वी आर क्रिएटिंग द टेबल, ओके, इन विच वी आर नेमिंग द टेबल इज रिजल्ट। ओके, वी आर क्रिएटिंग द टेबल विथ नेम रिजल्ट, तो रिजल्ट नाम का टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। एंड वो जो टेबल में स्कीमा स्कीमा यानी कि जो हेडर होता है आपका राइट टेबल का, सो वी आर टेकिंग द स्कीमा एज अ नेम रोल नंबर एंड परसेंटेज। तो नेम रोल नंबर और परसेंटेज के अंदर आपका डेटा आएगा। ठीक है, तो हायू क्या करता है, हायू इन्फोर्सेस स्कीमा ऑन रीड। तो स्कीमा ऑन रीड का मतलब क्या है, वो आपका जो टेबल का डिफिनेशन होता है ना, स्कीमा जो होता है उसको इग्नोर करके डेटा ये करता है, डेटा अलाउ करता है, ठीक है, इंटर कर इंसर्ट करने के लिए टेबल के अंदर। थोड़ा थोड़ा कैसा है ये एसक्यूएल के फीचर का जैसा फीचर नहीं है, क्योंकि एसक्यूएल स्कीमा ऑन राइट करता है, यहाँ पे स्कीमा ऑन रीड देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में ऐसा है, समझ लो कि आपका डेटा जैसे जैसे आएगा ना वैसा वैसा डेटा अंडर ले लेगा आयु का टेबल। ठीक है, अगर उसका स्कीमा मैच भी नहीं हो रहा है तो भी ले लेगा, जहां पे अगर मैच नहीं हो रहा है तो नल वैल्यू दिखा देता है वो। ठीक है, नल नल दिखा देगा, लेकिन बाकी का डेटा ले लेगा। तो एसक्यूएल उसको ऑनर ही नहीं करेगा। एसक्यूएल क्या करता है, थोड़ा भी उसको लगा कि टेबल के डेफिनेशन के जैसा डेटा नहीं है तो उसको ऑनर नहीं करता, एरर देता है। ठीक है, तो इसलिए एसक्यूएल में स्ट्रक्चर्ड डेटा ही ये होता है आपका। तो यहाँ पे कैसे कैसे भी डेटा कर सकते हैं आप, और पेटाबाइट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, हाई मतलब इसका लिमिट नहीं है, बिलियन रोज को भी आपको क्यूरी करना है तो आपके पास बिलियन क्रोर्स रोज भी है, तो यू कैन क्यूरी यूजिंग हाई। इसे क्या करो, स्पेस दो, सिंगल कोट करो, कॉमा दो, हाँ, और एक काम कॉमा दो, एक सिंगल कोट क्लोज करो, सेमी कोलन दो। तो एक बार ठीक से देख लो, ठीक है, कमांड क्रिएट टेबल होगा रिजल्ट नाम का, वहां पे नेम रोल नंबर और परसेंटेज आपका स्कीमा बनेगा, पार्टीशन के हिसाब से टेबल बनेगा। ठीक है, तो स्टेट और सिटी आपका पार्टीशन है, एंड ये आगे का लाइन जो है आपका जो डिलिमिटेड फील्ड टर्मिनेटेड यानी आपका जो अपना जो डेटा आएगा, तो कॉमा सेपरेटेड फाइल है ना, तो कॉमा का हटा के वो टेबल में कन्वर्ट कर देगा बाकी के डेटा को। इसे एग्जीक्यूट कर दो। स्ट्रिंग परसेंटेज, ये स्ट्रिंग आईएनटी फ्लोट ये क्यों लिखा है किसको नहीं समझ रहा हूँ, तो ये आप ये समझ लो ये डेटा का टाइप है, मतलब जिस तरह का डेटा होगा उसको स्पेसिफाई करने के लिए वो लिखा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग यानी कि आपका अल्फाबेटिकल डेटा होगा वो ऑनर करेगा, इंटीजर को यानी कि आपके डिजिट्स को ऑनर करेगा, फ्लोट यानी कि पॉइंट्स में डॉट में डेटा होगा तो उसको ऑनर करेगा। ठीक है, मतलब परसेंटेज कैसे होंगे, इसी का परसेंटेज ऐसे 10-20 तो नहीं होगा ना, परसेंटेज मतलब पॉइंट में आएंगे, 10.30% या फिर 85.89% इस तरह से आ सकता है, तो फ्लोट हमने दिया। ठीक है, टेबल तो क्रिएट हो गया, टेबल देखने का रहेगा, तो आप क्या करो, एंटर करो, डिस्क्राइब 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 करो। डीई करो, हाँ, एससी करो, डीईएससी, हाँ, अभी टैप करो, स्पेस दो, टेबल का नाम डाल, सेमी कॉलन दो, सेलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अभी नीचे देखो ये सारा टेबल बन गया। ठीक है, आपका नेम रोल नंबर परसेंटेज सिटी और स्टेट, ये जो सिटी और स्टेट है ना ये टेबल का ही पार्ट बन जाता है, लेकिन सिटी और स्टेट आपका पार्टीशन में बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका सपोज कोई फाइल है, ठीक है, उसमें महाराष्ट्र का ही डेटा है, तो अगर आप उसमें महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे तो पार्टीशन के महाराष्ट्र के पार्टीशन में डाल देगा। ठीक है, दूसरा कोई फाइल आया फिर उसमें आपका एमपी का डेटा है, एमपी के इसमें डाल देगा, फिर केरल का डेटा आया तो उस केरल स्पेसिफाई करेंगे तो केरल के पार्टीशन में डाल देगा। ठीक है, तो ये पार्टीशनिंग हम इसलिए यूज करते हैं कि जो हायू का टेबल डेटा है ना वो आपका मल्टीपल फाइल और मल्टीपल डायरेक्टरी के अंदर आपका पार्टीशनिंग में या बकेटिंग में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है हायू के, हायू बेसिकली डेटा वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर है, तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम पार्टीशनिंग एंड बकेटिंग का यूज कर सकते हो। सो ये पार्टीशनिंग यूज किया है, बकेटिंग अगर करना है ना तो बकेटिंग का भी सेम कंसेप्ट है, आपको मैं कभी बाद में बता दूंगा, अभी फिलहाल क्या करो, ये तो आपका टेबल तो बन गया। ठीक है, टेबल तो दिख रहा है सबको, हमने क्या किया है, फाइल अपलोड किया है, स्टार्टिंग में क्या किया था, ये मैम ने फाइल यू के ब्राउजर से शी अपलोडेड वन फाइल, ओके, द फाइल नेम इज पार्टीशनिंग,
तो एक बार फाइल तो देखी थी हमने, ठीक ना, नाम था, कॉमा देके रोल नंबर था और परसेंटेज था, तो उसको अभी हायू में इंसर्ट करना है एंड उसके ऊपर क्यूरी करना है। तो उसके लिए क्या होता है, वो फाइल का डेटा लोड करना पड़ेगा ना टेबल में, तो एक कमांड है लोड डेटा, तो वो कमांड डाल दो, लोड लोड डेटा, वो वाला टैब मारो, इन पाथ भेज दो और ये करो, सिंगल कोट ओपन करो। हम क्या बोल रहे हैं, कमांड से लोड करो डेटा, ठीक है, लोड डेटा मतलब डेटा लोड करना है, इन पाथ मतलब कौन से पाथ में डेटा रखा है, कौन से पाथ में फाइल है, वो उसका पाथ देना पड़ेगा। तो हमारा फाइल कहाँ पे है, यूजर यू में है, ठीक है, सो फॉरवर्ड स्लैश देके यूजर लिखिए, यूजर फॉरवर्ड स्लैश यू फॉरवर्ड स्लैश पार्टीशनिंग PAR डालो और टैब मारो। ले लेता है, ठीक है, ये नाम वगैरह सब पता रहता है यू को, ये हायू को भी, क्योंकि उसने जब फाइल अपलोड की थी ना वो डिटेक्ट कर लिया है, तो हमारी जो फाइल का नाम है हमें भी याद नहीं है, तो वो पता कर लेगा, ठीक है, सिर्फ हमें दो तीन अल्फाबेट पता रहने चाहिए। सिंगल कोट क्लोज करो, भेज दो, नहीं, स्पेस दो, इनटू टेबल डालो, इनटू, तो हम क्या कर रहे हैं, लोकल लोड डेटा इन पाथ लिखा है ना पहले, तो मतलब आगे वाले जो भी पाथ में डेटा आएगा तो उसको लोड करना है, ठीक है, तो कहाँ करना है, तो हम उसको आगे बता रहे हैं, इनटू टेबल, तो इनटू टेबल मतलब टेबल का नाम क्या है, रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स दो, टेबल का नाम रिजल्ट्स है ना, हाँ, सेमी कॉलन दो, बस इतनी सिंपल कमांड है। अभी इसको क्या है, हमने पार्टीशन में रखा है ना, तो इसको पार्टीशन भी स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, अगर इतने से हमने किया तो ये एरर दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पार्टीशन स्टेट और सिटी दिया है ना, तो वो पार्टीशन भी स्टेट स्पेसिफाई करना पड़ता है, तो वो सेमी कॉलन हटाओ, पेस्ट दो, वहां पे लिखो पार्टीशन, टैब मारो, स्पेस दो, पैरेंथेसिस ओपन करो, वो लिखो स्टेट इक्वल्स टू, स्टेट को मेंशन करना पड़ता है, ठीक है, तो स्टेट इक्वल्स टू कर्नाटका डाल दो डबल कोट में, ये मैटर नहीं करेगा ना, कैपिटल स्मॉल हाँ हाँ वो इट्स नॉट अ सेंस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव नहीं है इसका। हाँ केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, कर्नाटका और सिस पे कॉमा दो, सिटी करो, कुछ देखे ये डबल, हाँ 1 मिनट, हाँ वो हट गया, डबल कोटा, डबल कोट चाहिए, ये नीचे लूँगी यहाँ से आगे का। हाँ ठीक है, नीचे लो हुआ पार्टीशन के आगे का स्पेस हटाओ, रिजल्ट्स के आगे का हटाओ, एक स्पेस एंटर करो, हाँ पेस्ट करो, सिटी सिंग डबल कोट में कर्नाटका डाल दो, फिर से कर्नाटका नहीं बैंगलोर डाल दो, सिटी का नाम डाल दो कोई भी, कर्नाटक में बैंगलोर मैंगलोर एनीथिंग, ओके, पैरेंथेसिस बंद करो, हाँ पैरेंथेसिस बंद करके सेमी कोलन दे दो, ओके सेलेक्ट करो, सब देख लो, ठीक है, एक बार तो हमने क्या किया था, टेबल बनाया स्टार्टिंग में, पहले तो हमने डेटाबेस बनाया ऊपर क्लाउडेज नाम का, फिर शो डेटाबेस किया, और उसके बाद वो जो डेटाबेस बनाया उसको यूज किया, ठीक है, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे हमने क्या किया, टेबल बनाया, क्रिएट टेबल रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स नाम का एक टेबल बनाया है, तो उसमें स्कीमा दिया है, नेम रोल नंबर परसेंटेज पार्टीशन दिए है स्टेट सिटी, ओके, और फिर क्या किया है हमने, ये किया है डेटा लोड करने के लिए कमांड डालिए, लोड डेटा इन पाथ, ठीक है, तो पाथ कौन सी है वो भी दिए, कौन से टेबल में डालना है, टेबल का नाम भी दिए, पार्टीशन भी स्पेसिफाई किए हैं, ठीक है, कर दो एग्जीक्यूट कर दो इसको, हो रहा है क्या, और बस सो हमने क्या किया, डेटा लोड कर दिया, ठीक है, टेबल में, सक्सेस तो दिखा रहा है, ठीक है, सक्सेस तो आ गया, तो स्क्रॉल अप करो इसको, 6.2 में शायद ना वही पे जॉब आईडी नहीं देता है, स्क्रॉल डाउन करो, ओके नीचे कमांड डालो, मैं बोलता हूँ,
सक्सेस तो दे दिया, ठीक है, लोड डेटा लोड तो कर लिया उसने, सेलेक्ट स्पेस स्टार स्पेस फ्रॉम स्पेस टेबल का नाम लिखो, हेलो सेमी कॉलन, सेमी कॉलन एग्जीक्यूट करो, हाँ स्क्रॉल डाउन करो, जो नीचे की कमांड थी ना वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार मतलब ऑल होता है ठीक है, कमांड के लैंग्वेज में स्टार का मतलब ऑल है, तो सेलेक्ट ऑल ऑल और जो भी टेबल है अपना, टेबल का नाम हमने दिया था, तो जो टेबल बनाया है वो टेबल में जो जो डेटा है वो सब कुछ दिखाओ, ऐसे कमांड ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट, तो रिजल्ट मतलब टेबल में जो जो डेटा है वो सब कुछ आपको दिखाएंगे ठीक है, तो टोटल रिजल्ट में क्या रहा है ब्रैकेट में 83 83 रोज है, ऐसा इमेजिन करो ऑर्गेनाइजेशन में 83 रोज नहीं आएंगी आपको, 83 मिलियन 83 बिलियन ऐसी रोज आएंगी ठीक है, क्योंकि रोज का रोज डेटा आएगा, रोज का रोज एनालिसिस शुरू हो रहेगा ठीक है, रोज करना है आपको ये एनालिसिस, ये टीम करेगी हायु की, आपको सिर्फ मतलब हायु सिक्योर करने का ठीक है ऐसे काम होगा। एंड हाँ बोलिए, अपने जो फाइल भेजी उसमें ये नहीं था, तो पार्टीशन बाय मतलब जो भी हमने ये किया पार्टीशन बाय उसमें हमने ये दो ऐड किए, तो ये ऐसे दिखाएगा क्या, क्योंकि जो आपने फाइल भेजी उसमें तो ये नहीं है ना सिटी और ये नहीं है। हाँ तो पार्टीशन बाय का वो यूज ही वही है ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, तो पार्टीशनिंग और बकेटिंग ये कंसेप्ट है हायु में, ये हायु में ही यूज होता है, पार्टीशनिंग और बकेटिंग हम यूज क्यों करते हैं आपका क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, यानी कि हायु का जो टेबल का डेटा है आपका डेटा तो ऑलरेडी कितना है, जो पहले तीन रिकॉर्ड है ना, एक तो नाम है रिजल्ट का रोल नंबर है एंड परसेंटेज है, ये आपका डेटा के रिलेटेड तो इतना ही है, लेकिन आपको स्पेसिफाई करना है ठीक है, अभी आप इस तरह से एज्यूम करो और इमेजिन करो कि आपका ये 1 बिलियन रोज है, यानी कि 100 करोड़ रोज है ऐसे नीचे ठीक है अलग अलग, तो उसमें क्या है आपको एक ही साथ क्यूरी अगर करेंगे तो टाइम लगेगा ना, लेकिन आपको ये पता है ठीक है कि इसमें से जो डेटा है ये एक 10% डेटा कर्नाटक का है ठीक है, उसके बाद आपका आपको पता है कि इतना इतना डेटा महाराष्ट्र का है, तो आप इंस्टेड ऑफ लोडिंग ऑल द डेटा ओके एक ही बार टेबल में डेटा इंसर्ट करने से अच्छा आप उसको पार्टीशनिंग में करो, यानी कि जब आपको कोई क्यूरी करना है और आपको पता है कि वो कर्नाटक के डेटा पे क्यूरी करना है, तो आप डायरेक्टली वो क्या करेगा हाई कर्नाटका में जाके वो आपको रिजल्ट शो करेगा ठीक है, अभी ये तो डेटा ऐसा नहीं आएगा ना अभी एक एक लोड करके, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा डेटा कंटिन्यूसली आता रहेगा, कैसे आता रहेगा CICD पाइपलाइन से आता रहेगा, स्कूप से डेटा लेंगे आप RDBMS का ठीक है, या फिर आपका स्ट्रीम सेट है ऑर्गेनाइजेशन पे डिमेंड है ठीक है, स्ट्रीम सेट रह सकता है कुछ भी रह सकता है कॉन्फ्लुएंट रह सकता है, तो या फिर आपका काफका का डेटा है सब CICD पाइपलाइन से आ रहा है ठीक है, सुबह से आपको पता है कि अभी ये जो डेटा का प्रोसेसिंग हो रहा है ना ये एक्सट्रैक्शन शुरू है कर्नाटक के डेटा का, तो आपको क्यूरी करना है ठीक है डेटा पे, तो आप क्या करेंगे पार्टीशन में मेंशन करेंगे ये कर्नाटक का डेटा कर्नाटक में प्रोसेस करेंगे, तो वो डायरेक्टली कर्नाटक का को पार्टीशन में लेगा, थोड़ी देर में क्या हो रहा है आपका बैंगलोर इधर का डेटा आ रहा है गोवा का आ रहा है ठीक है, तो गोवा के इसमें डाल देंगे, फिर आपका पटना का डेटा आ रहा है तो बिहार का पार्टीशन करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग इन ओके इंस्टेड ऑफ सर्चिंग ओवरऑल इट विल सर्च इट विल डायरेक्टली गो इन टू द पार्टीशन डायरेक्टली वो स्टेट के वाइज सर्च करेगा ठीक है, तो ऐसा है अगर मतलब अभी इसमें डिपेंड करेगा ठीक है, अभी रिजल्ट है तो इस तरह से हो सकता है, तो डेटा का आपका कोई दूसरा टाइप का डेटा है ओके राइट, आपका रीजन वाइज जोनल वाइज कोई आपका चलता है मतलब काम चलता है ठीक है, अभी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन जोनल जोनल वाइज रीजन वाइज सेग्रीगेट करती है ना अपने काम को, मतलब क्या होता है महाराष्ट्र के लिए अलग टीम रखेगी बिजनेस इंटेलिजेंस की, कर्नाटक में उनका कोई डेटा होगा मतलब उनका बिजनेस का ग्रोथ कैसे है उस पर भी डिपेंड है ओके, कोई सिटी में बिजनेस ज्यादा जाता है कंपनी का कोई सिटी में कम चलता है, तो ज्यादा ज्यादा जिस बिजनेस जहाँ पे वहाँ पे फोकस रहता है बीए टीम का, तो वो क्या करती है रिसोर्सेज भी उसके अकॉर्डिंग उसको अलोकेट करती है ठीक है, मतलब वहाँ पे अगर बिजनेस ज्यादा है तो वहाँ पे अगर रिसोर्सेज भी ज्यादा लग रहे हैं तो कंपनी को परवाह नहीं होती है ठीक है, हाँ जा रहा है कि रिसोर्सेज जाने दो बाबा उधर का बिजनेस मेरा अच्छा है, तो इस तरह से कंपनी सोचती है, सो ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन अभी पॉइंट आउट निकला इसलिए ठीक है, लेकिन आप इतना मत सोचो आप क्या करो ये सेग्रीगेशन करता है डेटा का इतना ही ध्यान में रखो ठीक है,
सो आप अगर पार्टीशनिंग और बकेटिंग मेंशन करते हो तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग ऑन होल टेबल इट विल डायरेक्टली गो इनटू द पार्टीशनिंग और बकेटिंग एंड इट विल ऑप्टिमाइज योर क्यूरी. क्योंकि एक करोड़ अगर डेटा है लाइन से, ठीक है, ये रोज है, तो इसमें ऐसा नहीं है ना आप अभी कैसे आपने क्यूरी की और एक सेकंड में रिजल्ट आ गया. तो ये हो सकता है आपको 10 घंटे भी लगेंगे, ठीक है, क्योंकि मैप रेड्यूस में कन्वर्ट करता है हायू, फिर थोड़ा 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 दिखा के आपको रिजल्ट आएगा. तो ये आपको रिजल्ट डायरेक्टली 2 मिनट में 1 मिनट में नहीं आएगा, ठीक है, मैप रेड्यूस टाइम लेता है, ठीक है. मैप रेड्यूस हायू की क्यूरी आपको 2 घंटे टाइम ले सकती है, आधा घंटा ले सकती है, 15 मिनट ले सकती है, अकॉर्डिंग टू योर क्यूरी एंड अकॉर्डिंग टू योर फाइल साइज, ओके, टेबल साइज. तो वो जो ऐसा भी आपका टेबल का साइज है, क्यूरी का साइज, क्यूरी का जो भी मतलब सेग्रीगेशन है उस पर डिपेंड करेगा. तो 3 या 4 घंटे भी लग सकती है क्यूरी को करने के लिए. तो 3-4 घंटे वेट नहीं करेंगे ना, आपको थोड़ा सा डेटा चाहिए महाराष्ट्र का, तो आगे वाला क्या बोलेगा, भाई 2 घंटे लगा रहे, मुझको महाराष्ट्र का ही डेटा चाहिए था, तो सब में कहीं को सर्च कर रहे हैं. तो अगर आपने पार्टीशन बनाया तो आप डायरेक्ट महाराष्ट्र में जाएंगे, 15 मिनट में रिजल्ट आएगा. तो जो भी बीआई की टीम है वो टैबल्यू से कनेक्ट होगा ही, तो वहां पे जल्दी से उनको एनालाइज करने को भी मिल जाएगा. तो ये क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है ना इससे, तो इसलिए पहले से पार्टीशनिंग बना के रखनी थी अपने यूज केस के हिसाब से, तो आपको यूज होगा, ठीक है, उसका सेग्रीगेट करता है डेटा को. इतना ध्यान मेरे को आप फिलहाल. तो हमने क्या किया, डेटा क्यूरी किया, ठीक है, एंटर करो. जायन स्ट्रक्चर डेटा के लिए 1 मिनट में आता है, RDBMS में यूज होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है ना, ये स्ट्रक्चर डेटा का लिमिट भी रहता है, RDBMS लिमिटेड है, 10 टेराबाइट या 13 बाइट्स में लिमिट है उसका. ये जो हम काम करेंगे एनालिटिकल प्रोसेसिंग पेटाबाइट्स में चल रहा है हमारा, ठीक है, डिस्कशन. तो और बिलियन रोज के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो टाइम तो लेता है हाई, और वो जो उतना क्यूरी ना स्ट्रक्चर डेटा तो होगा नहीं, एंड अपना RDBMS में उतना सारा डेटा तो प्रोसेस होगा नहीं, तो वो भी उसका भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, सारे एंगल से सोचना पड़ता है. तो इसलिए वो तो बिग डेटा के लिए हादुप निकाले ना, हादुप के लिए हायू निकाले क्यूरी करने के लिए. अभी क्या करो, एक क्यूरी करके दिखाओ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए डिफॉल्ट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स करो, वेयर क्लॉज है, हाँ, अलग अलग क्लॉजेस है इसमें, ठीक है. तो आपका क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप अलग अलग क्लॉजेस यूज कर सकते हो, मैं सिंपल बताता हूँ आपको. डीप किस वो जाना है तो आप क्या करो, हायू का कुछ देख लो, ठीक है, डॉक्यूमेंट, वेयर इक्वल्स टू करो, स्पेस हटाओ, डबल कोट में लिखो, एक मिनट, ये इक्वल हटा दो, सब हटा दो, ये वेयर रहने दो सिर्फ, हाँ वेयर रहने दो, वेयर स्पेस दो. अभी इतने सारे डेटा में से ना सिर्फ आपको क्या करना है, 90% के ऊपर के जितने का रिजल्ट है ना उनको सेग्रीगेट करना है, ठीक है. तो आप क्या करो, वेयर परसेंटेज लिखो, परसेंटेज, तो परसेंटेज 90% के ऊपर है ना, तो हम यहाँ पे वेयर का क्लॉज यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है, वेयर परसेंटेज PERCENTAGE ग्रेटर देन डालो, स्पेस हटाओ, स्पेस हटाओ, स्पेस नहीं है ना, स्पेस नहीं, डबल कोट में लिखो, कितना भी 90 या 80 जो भी आपको ठीक लगे, हाँ 90 लिख दो, डबल कोट बंद करो, तो सेमी कॉलन. तो अभी परसेंटेज में क्या किया, वेयर का क्लॉज यूज किया हमने, ठीक है. तो जहां पे भी 90% के ऊपर का डेटा है ना वो दिखाएंगे अभी आपको, ठीक है. स्क्रॉल डाउन करो, वो जो जॉब आईडी दिख रहा है ना, जॉब आईडी पे क्लिक करो, ऊपर नहीं, जो आपका, हाँ वहाँ पे देखो जॉब 1666 आया है वहाँ पे, वेट ऑन द सेम पेज, ओके. आपको इसको प्रोसेसिंग कर लगती है तो प्रोसेस में दिख रहा है, ठीक है. अभी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास तो ज्यादा ये है ना क्या, रिसोर्सेज ज्यादा आएंगे तो इतना टाइम नहीं लेते, हाँ ओके, इसको क्लोज करो. सो जो 90% के ऊपर से है ना, तो इनका नाम आया, ठीक है, जायन, श्रद्धा, संजीवनी, पुनेश, तो इनका नाम है 90% के ऊपर. अभी क्या करो, लेस देन 90% डाल दो,
जाने तो, ये रहने तो, ठीक है समझ में तो आया ना आपको? तो इस तरह से आप क्यूरी को कर सकते हो, ठीक है? तो अलग अलग वेयर, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, इसको अभी बंद कर दो, यहाँ पे समझ में आ गया सबके, ठीक है? होम पेज पे आ जाओ, क्लाउड रखे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन लाइसेंस में जाओ, लाइसेंस में यहाँ पे देख रहे हो ट्रायल लाइसेंस दिख रहा है क्या ओनर का नाम, यहाँ पे डिटेल्स में तो ये जो ओनर का नाम है ना ट्रायल लाइसेंस, तो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं आएगा, ठीक है? ये आपको एंटरप्राइज क्लाउडेरा का लाइसेंस आएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? लाइसेंस का की होता है आपको थोड़ा पता रहना चाहिए, ठीक है? ये लाइसेंस कहाँ चेक करते हैं, क्योंकि एडमिन के अंदर काम आता है, ये एडमिन टास्क के अंदर आता है, ठीक है? इस टाइप ऑफ वर्क, तो चेक द लाइसेंस, अपडेट द लाइसेंस, ये इसका रहता है, लाइसेंस को अपडेट करना पड़ता है, कितने दिन का लाइसेंस बचा है क्लाउडेरा का, वो भी आता है, सारी डिटेल आती है, सो ये पता रहना चाहिए, इसलिए ये दिखाई दी आपको, ठीक है? अभी एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, यूजर्स में जाओ, यूजर्स एंड रोल में, ये 6.2 का रेपो है ना, तो 6.2 के रेपो में आपको थोड़ा डिटेल में बता देता है, तो अगर ये 5.16 का रेपो होता तो यहाँ पे ये एड लोकल यूजर नहीं आता था, ठीक है? आपको ऑप्शन ही नहीं था यहाँ पे, ये सारे ऑप्शन नहीं थे, मतलब एक डायरेक्टली एड यूजर ऐसा आता था, एड लोकल यूजर दिख रहा है, यानी कि डिटेल में बता रहे हैं अपने को कि ये लोकल यूजर्स है, ठीक है? तो लोकल यूजर्स यानी कि एडमिन के अंदर जो जो आएंगे, तो यहाँ पे हाई एनालिस्ट ये वगैरह तो आप नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि उसके लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन यूनिट रहता है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर जो अलग टीम है वहां पे उनके यूजर क्रिएट होंगे, ठीक है? हाई के, स्कूप के, जो भी आप यूज कर रहे हो सर्विसेस, ठीक है, स्पार्क एटसेट्रा, देन यहाँ पे आपके लोकल यूजर है, यानी कि आपके एडमिन के अंदर जो काम करेंगे वो, ठीक है? तो लोकल यूजर पे क्लिक करो, एड लोकल यूजर, नाम दे दो आपका, तो हम क्या कर रहे हैं, यूजर ऐड कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, पासवर्ड दे दो, क्लिक करो, तो whoever working in on Cloudera, तो Cloudera क्या रिकमेंड करता है, सपोज इफ यू हैव टेकन द एंटरप्राइज Cloudera, देन Cloudera इज रिकमेंडिंग अस दिस टाइप ऑफ roles, this type of employee is necessary to manage the Cloudera cluster, okay? So to manage the Cloudera manager, okay, we need VDR administrator, we also need Cloudera cluster administrator, then we also need configurator, navigator administrator, key administrator, okay? So this type of personas bol sakte ho aap isko, so this type of personas, otherwise hierarchy bol sakte ho, to ye apne ko chahiye now in one team. Okay, whoever managing the Cloudera cluster. So Cloudera is recommending this role and this personage is required in the team. So इसमें क्या क्या roles है ये सब आप देख सकते हो, ठीक है? यहाँ admin assign करता है ये role. हाँ, ये full admin assign करेगा. Full admin के ऊपर जो admin होगा ना, तो मतलब depend भी करेगा, ठीक है? अगर आप पे पूरा भरोसा है company को तो full admin को ही दे देंगे सब कुछ काम, लेकिन आप पे भी भरोसा नहीं है तो जो solution architect है, ठीक है, तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट को बता पाएंगे, ऐसा है, कंपनी पे डिपेंड है, लेकिन फुल एडमिन को या फिर सोल्यूशन आर्किटेक्ट को होगा, ठीक है? सो ये बीडीआर एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करो, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो नीचे, अभी यहाँ इसमें तो आ रहा नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली 5.16 में आता है, ये रोल्स पे क्लिक करो, रोल्स पे, इस तरह से, ठीक है? 5.26 में ना डायरेक्टली दिखाता है आपको कि इसके टास्क क्या क्या है, ठीक है? वीडीआर के स्नैपशॉट पॉलिसी क्रिएट करना, रेप्लिकेशन शेड्यूल करना, ठीक है? रेप्लिकेशन, अभी क्वेश्चन पूछा थे आपको, आप कैसे करते थे रेप्लिकेशन, कैसे करते थे आपके क्लस्टर पे के डेटा का, उसको बोल सकते हो, सर वी आर हैविंग द वीडीआर क्लस्टर, अदरवाइज वी हैव द फुल S3 एक्सेस, सो वी आर रेप्लिकेटिंग द डेटा ऑन S3 क्लाउड स्टोरेज, एंटरप्राइज क्लाउड स्टोरेज इन इनक्रिप्टेड फॉर्म, ठीक है? तो मीडिया एडमिशन डेटा इंक्लूडर क्रिएट एप्लीकेशन टू लैंड टेक्नेट पॉलिसी, ठीक है? तो ऐसे करना है, ठीक है, इसे बंद कर दो, होम पेज पे आ जाओ, तो ये तो दिखा दिया आपको एडमिन टास्क, ठीक है?
वो हायो भी पता चल गया ना, कैसे शॉर्ट में क्यूरी वगैरह कैसे करना है, लोड डेटा बता दिया, स्नैपशॉट पॉलिसी बताने को बोल रहे हैं तो स्नैपशॉट पॉलिसी बताएंगे, ठीक है। सो ह्यू में जाओ, ह्यू में स्नैपशॉट क्रिएट करना पड़ेगा हमें पहले तो, ठीक है। में गए क्या, फाइल में जाओ, फाइल में, फाइल है क्या, अपलोड देखो, ये तीन तीन एरोस पे क्लिक करो, फाइल्स में जाओ, ठीक है। वो हायो में लोड कर दी फाइल, तो इस पे अभी एक फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, कोई भी एक फाइल अपलोड कर लो यहाँ से, स्नैपशॉट दिखाना है बस, तो कर दो कोई भी कर। तो हमारी पेम की फाइल है, उसको हम क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे, ठीक है। सपोज और पेरेंट डायरेक्टर के स्नैपशॉट पॉलिसी कैसे वर्क करता है, तो स्नैपशॉट पॉलिसी जो है और स्नैपशॉट जो हम लेते हैं वो पेरेंट डायरेक्टरी के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। फाइल लेवल पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। जो जो डायरेक्टरी लेवल पे अप्लाई होगा, यानी कि डायरेक्टरी में जो जो डेटा आएगा, तो वैसे जो जो डेटा पहले से ही है उसमें उसका रिप्लीकेशन आप ले सकते हो, बाद में अगर डेटा आता है स्नैपशॉट के बाद तो नहीं ले सकते, ठीक है, रिट्रीव नहीं कर सकते। तो कैसे करो, स्नैपशॉट करो, कोई ना कोई फाइल पे जाओ, ये यहाँ पे HDFS में जाओ, नहीं उसे वहां पे नहीं, HDFS में जाओ। श्रीकांत भाई 5.16 और 6.2 में क्या मेजर डिफरेंसेस है क्या? फाइल ब्राउजर में जाओ, नहीं ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट कोई भी डिफरेंस नहीं है 5.16 में और 6.2 में, सिर्फ ये इसका फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो 6.2 क्या प्रोडक्शन ग्रेड है क्या? 5.16 भी प्रोडक्शन ग्रेड है, 5.16 भी प्रोडक्शन ग्रेड है, 6.2 भी है, सारे वर्जन, और 5.16 ज्यादा यूज होता है ऊपर 5.16 में, और 5.16 कैसा है, बेसिक से स्टार्ट हुआ है ना, तो हमें इजी आता है, मतलब जो अगर आपको कोई पॉइंट भी नहीं पता है तो आपको डायरेक्टली वहां पे दिखाता है, तो लर्निंग पर्पज के लिए 5.16 ही अच्छा है। लेकिन 6.2 में कैसा है, आप अपग्रेड होता रहता है, ठीक है, हमेशा इसका इंटरफेस थोड़ा चेंज है, अगर आप ध्यान दे के करते हो तो आपको पता चल जाता है। यहाँ पे इनेबल करो स्नैपशॉट, यूजर में जाके, यूजर में जाओ, सीडीपी में डिफरेंस है, अभी जो सीडीपी आया ना 7.1 के ऊपर का, उसमें सेंट्री नहीं है, उसमें रेंजर वगैरह है, तो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। इनेबल स्नैपशॉट क्लिक करो, इनेबल स्नैपशॉट, यू में जाओ, यू में, यू में जाओ, ठीक है, यहाँ पे कर, हाँ कर दो, ठीक है, पूरे यूजर पे करना है ना, पूरे, हाँ कर, हाँ कर दो, कर दो, इनेबल कर दो, तो वहां पे इनेबल ऑप्शन है, ठीक है, इनेबल स्नैपशॉट्स। सो नाउ सपोज इफ यू हैव द क्रूशियल डेटा, ओके, देन इट इज आवर टास्क टू टेक द स्नैपशॉट्स, ओके, टू क्रिएट द स्नैपशॉट पॉलिसीज आल्सो इफ द कंटिन्यूअसली क्रूशियल डेटा इज कमिंग ऑन द पर्टिकुलर फोल्डर। सो ऑन द फोल्डर लेवल इट विल क्रिएट द स्नैपशॉट, तो फोल्डर में जो भी है वो पेरेंट डायरेक्टरी पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। सो नाउ टेक करो स्नैपशॉट, हाँ करो टेक, नाम दे दो कोई भी, रिप्लिकेशन या रिस्टोर करो, रिस्टोर नाम दे दो, बैकअप लेने के लिए करते हैं ना हम ये सब कुछ, क्यों कर रहे हैं कि डेटा का बैकअप रहना चाहिए, डेटा डिलीट हो गया, मूव किया कहीं पे, वहां से नहीं छोड़ मिल रहा है, तो बैकअप के लिए हम करते हैं, ठीक है। स्नैपशॉट पॉलिसी क्रिएट करना, स्नैपशॉट लेना, ठीक है, रिप्लिकेशन शेड्यूल करना, इस थ्री में सिंपल कनेक्टर IAM के थ्रू हमने देखा था, तो IAM रोल को असाइन करके वो फिर क्या किया हमने, वहां पे एक बैकअप क्रिएट किया, फिर यहाँ पे हम रिस्टोर करेंगे, जहां पे बैकअप आएगा वहां पे रिस्टोर मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्नैपशॉट से बैकअप ले लिया, तो अभी रिस्टोर ले करना है फाइल को, तो डिलीट करने के बाद रिस्टोर करके दिखा दो मैं आपको, ओके कर दो, क्लोज कर दो, हमने क्या किया है, स्नैपशॉट ले लिया, ठीक है। वहां पे स्नैपशॉट का आपको टाइमिंग मिल रहा है 2:53 PM को, अकॉर्डिंग टू द UTC टाइम इट इज शोइंग यू द स्नैपशॉट डिटेल्स, ओके। सो स्नैपशॉट नेम इज, आवर स्नैपशॉट नेम इज रिस्टोर, ओके, ऑन विच डेट वी हैव टेकन द स्नैपशॉट, ओके, एंड 2:53 PM को लिया था, तो टाइम इज ऑल्सो इट इज शोइंग, so as per the UTC। now तो फाइल डिलीट कर दो टर्मिनल पे जाके, नहीं तो क्यों से
हेलो डिलीट कर दो मूव टू ट्रैश नहीं नहीं वो उसका साइड का ऑप्शन ले लो परमानेंटली डिलीट कर दो फॉरएवर करो फॉरएवर डिलीट करती ठीक है हम डिलीट करती गई फाइल ठीक है फाइल चली गई डिलीट हो गया डेटा सब कुछ गया ठीक है अभी हम दो तीन दिन बाद क्या हुआ फिर से हमें पता चला कि क्या यार फाइल चाहिए था ठीक है डिलीट हो गया चाहिए था तो हम क्या करेंगे ओके सो अगर आपने स्नैपशॉट लिया है तो ठीक है तो आप आराम कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्नैपशॉट से रिस्टोर कर लेंगे फाइल तो और उस तरह जिस तरह से गया था उस तरह से पूरा आ जाएगा मतलब डेटा वगैरह जाएगा तो कैसे करना है रिस्टोर फिर से क्या करना है आपको HDFS में जाना है पहले तो HDFS में जाना है वही पे जाना है यूजर में उधर उधर राइट में श्रीकांत ट्रैश में हमारा टाइम लिमिट होता है लेकिन स्नैपशॉट में हमारा टाइम लिमिट नहीं होता है ना हाँ अगर आपने स्नैपशॉट लेके रखा है ना तो वो जिंदगी भर रहेगा ठीक है उसके लिए कोई इंटरवल नहीं है ट्रैश के लिए टाइम इंटरवल होता है तो उसमें जाओ उसमें वो ऊपर है ना फोल्डर दिख रहा है ना फोल्डर का सिम्बॉल राइट 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 में यहाँ पे नहीं नहीं हाँ वहां पे क्लिक करो वहां पे नहीं यूजर में चलो अभी जाओ वहां पे हाँ रिस्टोर करो डायरेक्टरी फ्रॉम ए वाला ही ना ऑप्शन फर्स्ट हाँ यस 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 करो यहाँ पे डायरेक्टली रिस्टोर करो फाइल तो गया था ना अभी PEM का फाइल था हमारा ठीक है PEM का फाइल था अभी फिर से आ जाना चाहिए ठीक है वो एरो पे क्लिक करो दिस वन सो What is it is doing? It is just simply copying, okay? तो dot snapshot का जो फाइल है वहां से आपका कॉपी कर लेगा कोई इंटरवल नहीं है कभी भी आप ले सकते हो ठीक है DFSCP कमांड कर रहा है वो आपके लिए वेट अ मोमेंट उसमें रहो नहीं तो फिर वो लेगा नहीं शायद श्रीकांत भैया ये स्नैपशॉट वगैरह सीडीपी में हमारा ऐसे ही करना रहता है या फिर वो बाय डिफॉल्ट ये सब रहता है सेम 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 है मिलेगा आपको जगह पे वही ऑप्शन मिलेंगे सिर्फ सर्विसेस ऐड ऑन करते हैं यार वो मतलब कोई सर्विस नहीं आई रेंजर आ गया सेंट्री की जगह पे तो नई सर्विस डाल देंगे फिर आपकी मर्जी वहां पे लेना है कि नहीं बाकी थोड़ा बहुत तो इंटरफेस सेम ही है क्योंकि आपके जो क्लाउडर के भी कस्टमर है ना उनको अगर चेंज कर दिया तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे ना अरे यार ये क्लाउडर ने क्या किया ऐसा बोलेंगे वो भी जो ऑलरेडी क्रश कस्टमर है क्लाउडर के अगर अपग्रेड्स आया तो क्लाउडर को वो भी ध्यान देना पड़ता है ठीक है कि मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो जैसा है वो सेम ही रहते ठीक है इजी और आसानी लाने का ट्राई करते व्हाट्सएप ने अपडेट कर दिया है सब जहाँ पे आपको समझ रहा नहीं है कैसे चैटिंग करना है कैसे वीडियो कॉल करना है तो आप व्हाट्सएप को बोलेंगे ना यार ये व्हाट्सएप ने क्या कर दिया मेरे साथ ठीक है अभी पहले अच्छा था अभी उसने अपडेट करने के बाद नहीं आ रहे ऑप्शन वैसा ये भी एप्लीकेशन ही उस तरह से ठीक है तो वो भी ध्यान देंगे क्लाउडेरा वाले कि क्लोज करो करो क्लोज नहीं ये हो रहा है ओके ठीक है ह्यू में दिखेगी ना अभी यू में जहाँ पे हमारा पाथ है ना वही पे आएगी क्यों नहीं क्योंकि हमने वो कहीं पे सेव एज नहीं किया रिफ्रेश करो क्या हाँ यस यस रिफ्रेश करो ब्राउज़र को रिफ्रेश तो जानी चाहिए ठीक है लेकिन अभी देखेंगे हाँ तो भाई यस तो जो पेम की फाइल थी ना वो है वो .pem हाँ तो गई है ठीक है तो आपको भी अगर ऐसे करना है तो प्रैक्टिस करो पहले तो क्या करना है HDFS में जाना है HDFS में जाके वहाँ पे ऑप्शन है इनेबल स्नैपशॉट एक बार दिखा दो मतलब ठीक है किसका ध्यान नहीं है तो उसको ध्यान में आएगा क्या करना है HDFS में जाना है ठीक है वहाँ पे नहीं नहीं वहाँ पे नहीं वहाँ पे नहीं हाँ डिसेबल करो डिसेबल करके दिखा दो नहीं पूरा इस पे जाना पड़ेगा यूजर हाँ। पे है ना पूरा यूजर पे तो यहाँ से इनेबल कर सकते हाँ एक मिनट यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे कैंसिल करो इसको ये नीचे ऑप्शन आ रहे थे कुछ स्नैपशॉट्स यार रहे हाँ दिख रहे क्या स्नैपशॉट और मैंने हाँ यहाँ पे जाना है आपको बस बाकी कुछ नहीं करना है इनेबल इनेबल कर देना है ठीक है स्नैपशॉटेबल पाथ वो ले लेता है तुम्हें इनेबल करना है करो इनेबल ये पूरा रूट पे हो रहा है पहले यूजर पे हुआ ठीक है ठीक है अभी सिर्फ दिखाने को इनेबल तो यहाँ पे उसे प्रोसेस कर लेगा ठीक है प्रोसेस करने के लिए क्या करेगा
एक बार दिखाओ वो एरो पे क्लिक करो, देखो कमांड भी दिख रहा है ठीक है आपको, HDFS हाइफन हाइफन इनेबल स्नैपशॉट, ओके अलाउ स्नैपशॉट की कमांड डाल रहे हैं आपके लिए HDFS में जाके, अलाउ स्नैपशॉट ठीक है, अलाउ स्नैपशॉट से स्नैपशॉट अलाउ कर रहे हैं, इसे कैंसिल करो, हो गया क्या तुमसे, क्लोज करो, फिर आ गया कितने, क्लोज करो क्लोज कर दो, क्लोज कर, रूट पे नहीं लेगा बोल रहे हो, यूजर में जाओ, यूजर में ऑलरेडी है वो अनेबल इसलिए उसको ये करना पड़ेगा डिसेबल। पहले ये करना पड़ेगा ना यहाँ से ये वाला, उसमें ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, ये डिलीट करके फिर वो हो जाएगा क्योंकि उस पे ऑलरेडी है ना अबॉट। हाँ यस हो गया शायद वो अभी डिसेबल हो जाएगा, डिसेबल क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो था ना इसलिए नहीं डिसेबल हो रहा था शायद, ये डिसेबल हो गया इसका, फिर से हम जाके आ गया देखो एनेबल का फिर से आ गया यूजर पे। हेलो राइट हो गया, हाँ ये फिर से ऑप्शन आ रहा है यूजर पे, पहले डिसेबल कर दिया वो पॉलिसी था ना इसलिए वो नहीं हो रहा था शायद, अभी आ गया फिर से ऑप्शन, ये देखो फिर से यूजर पे लेगा, ये ऑलरेडी नहीं बनता तो नहीं आ रहा था, ओके तो एक बार बना के दिखाओ, अच्छा बना के दिखाओ, ओके एनेबल एनेबल स्नैपशॉट शो ओनली फ्रेंड स्ट्रिप्स, यहां पे कुछ नहीं रनिंग हो रहा है, टाइम ले रहा है, क्लोज कर दो। इनेबल कैसे करना है देख लिया ना फिर से एक बार, अभी उसके बाद इनेबल के बाद आपको स्नैपशॉट लेना पड़ता है, ओके तो टेक्स्ट स्नैपशॉट पे क्लिक करो, नाम डालो कोई भी, वो एरो पे क्लिक करो, वो वाले एरो पे क्लिक करो, शो ऑल पे क्लिक करो, शो ऑल स्टेप्स, एरो पे क्लिक करो, वो वाले एरो पे क्लिक करो, हाँ क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो ठीक है ये कौन सी कमांड ले रहे हैं आपके लिए, HDFS क्रिएट स्नैपशॉट, पहले क्या किया था इसने अलाउ स्नैपशॉट या इनेबल स्नैपशॉट किया हो, अभी क्रिएट कर रहा है, तो टेक स्नैपशॉट करने के बाद क्रिएट स्नैपशॉट कर लेता है वो ठीक है, HDFS क्लोज कर दो, अभी फिर से आ गया ठीक है, अगर अगर फिर पे फाइल रहेगा डिलीट कर दिया तो यू कैन रिस्टोर दैट फाइल, ओके सो ठीक है ये तो हाँ क्लियर हो गया ना, ये स्नैपशॉट आ रहा है ना समझ में आपके, आवाज ही नहीं आ रही है, यस यस भाई ओके, तो दो बार दिखा दिया ठीक है कैसे करना है स्नैपशॉट का, अभी इसमें पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आपको वहां पे पॉलिसी में जाओ, एक बार पॉलिसी दिखा देता हूँ, बैकअप में जाओ, सपोज आपने स्नैपशॉट आज तो ले लिया लेकिन आपका डेटा तो कंटिन्यूसली आ रहा है ना, तो दो घंटे बाद आएगा डेटा, रात को फिर से आएगा, कल आएगा ठीक है, तो फिर जो स्नैपशॉट लेने के बाद डेटा जो आ रहा है वो कवर नहीं होगा ठीक है, स्नैपशॉट लेने के पहले जो डेटा था तब तक मेरा डेटा का रिस्टोर कर सकता हूँ मैं ठीक है, लेकिन After taking snapshot, if any data is inserting into that particular directory, then you cannot restore that particular data, okay? By the snapshot, same snapshot. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर बार क्या करना पड़ेगा? Data आने के बाद, अगर crucial data आया directory में, तो उस directory पे फिर से एक snapshot लेना पड़ेगा, फिर से snapshot लेना पड़ेगा रोज। तो हम क्या करेंगे? We are using the enterprise Cloudera, ठीक है? तो Cloudera use करने का मतलब क्या हो गया? फिर ठीक है, सब हम ही काम कर रहे तो। तो हम क्या करेंगे, क्लाउडेरा को बताएंगे, एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे कि भाई मेरा डेटा रोज आता है, कंटिन्यूसली आता है उस फोल्डर में, तो आप क्या करो, रोज रोज ही स्नैपशॉट लेते जाओ ठीक है, एक स्नैपशॉट लेते जाओ, दो स्नैपशॉट लेते जाओ, इस तरह से वी कैन क्रिएट द पॉलिसी। तो यहाँ पे क्रिएट स्नैपशॉट पॉलिसी पे क्लिक करो, तो जो जो स्नैपशॉट क्रिएट है ना उसी पे स्नैपशॉट की पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो ठीक है, समझ रहे ना, मतलब स्नैपशॉट ही नहीं है तो पॉलिसी कहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो ऑलरेडी स्नैपशॉट है तो एक मतलब उसी स्नैपशॉट पे और एक स्नैपशॉट वो ले लेंगे ठीक है, अभी ठीक है कोई डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हाँ बस अभी यहाँ पे आपको पता रहे ठीक है, आवरली डेली वहाँ पे पढ़ो आप, एटलीस्ट वन शेड्यूल नीड्स टू बी इनेबल्ड, तो कैसे करना है, एक एक घंटे में स्नैपशॉट करना है आपको, डेली करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, तो डेली करो आप, डेली करो
टाइम भी सजेस्ट कर सकते हो, यूटीसी टाइम है। सो अभी कितना टाइम हो रहा है वहाँ पे, 2:50 कितना हो रहा है यूटीसी में? 3:04 है ना, 3:06 कर दो, 3:06 3:05 या 3:06 कर दो, तो ड्रिल डाउन भी देख लेंगे ना, मतलब वो है कि नहीं एक्चुअल में। 3:05 करते हैं। हाँ ठीक है, डेली वन ठीक है इसका। दो तीन करो वहाँ पे, 3:06 करो और दो तीन कर दो, 3:06 करो वहाँ पे, 3 स्नैपशॉट कर दो। कितने स्नैपशॉट लेंगे? 3। ठीक है अभी सेव कर दो, स्क्रॉल डाउन करो, नीचे ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे अलर्ट, मतलब आपका आगे चल के नेक्स्ट वाला स्नैपशॉट आया है कि नहीं, या फिर उसको कुछ एरर आया, तो अलर्ट आपको आने चाहिए। तो सक्सेस पे और फेल्योर पे हमें अलर्ट आना चाहिए, ठीक है, सक्सेस और फेल्योर पे, ठीक है, बाकी कुछ नहीं आया तो भी चलेगा। सेव कर दो, हमने क्या क्या स्नैपशॉट पॉलिसी ली है, ठीक है। एक्शन में जाओ, एडिट कॉन्फ़िगरेशन शो, बस ठीक है, बस 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 अभी क्या करूं, वो यूजर में चले जाओ फिर से, यू में जहाँ पे स्नैपशॉट लिया था, तो वहां पे हमें डेट दिखने को मिलेंगे, ठीक है। HDFS में जाओ, HDFS में फाइल ब्राउजर में जाओ, फाइल ब्राउजर में हमने क्या किया था, यूजर में जाओ, यूजर में स्नैपशॉट लिया है, यहाँ पे हमने क्या किया था, 3:02 में स्नैपशॉट लिया था ना, तो अभी हमने क्या बोला है उसको, 3:06 में और स्नैपशॉट ले ले, 3 स्नैपशॉट लेने के लिए बोला है, ठीक है, तो अभी वो लेना चाहिए उसने, ठीक है। एक बार क्या करो, रिफ्रेश करो ऊपर से, वेट करो, ले लेगा, ठीक है, 3:06 कंप्लीट होने तक बाद ले लेगा शायद। HDFS में जा ले लेगा क्या, यही पे ले लेगा? नहीं, जहाँ पे स्नैपशॉट है ना वहीं पे ले लेगा, क्योंकि स्नैपशॉट पॉलिसी जहाँ पे क्रिएट है पहले की वहीं पे आता है। सेलेक्ट किया था ना बराबर सब कुछ अपने? हाँ किया था, ले लेता है, थोड़ा टाइम लेता है कभी कभी ये। शो ऑल करो ना, तो शो ऑल करो ना, नहीं नहीं उसके ऊपर ऊपर स्नैपशॉट, नहीं नहीं स्नैपशॉट के बाजू में स्नैपशॉट शो ऑल, एक ही है, एक ही है अभी तक। HDFS में तो नहीं लेगा ना? जाओ देखो, नहीं ट्रैश है इधर तो, बैक लो, रिक्रिएट करो, रिफ्रेश करो एक बार, शो ऑन करो, नहीं तो ले लेता है, हमने कुछ तो मिस्टेक की होगी टाइम वगैरह, क्या किया है कुछ ना कुछ किया है मिस्टेक, फिर से जाओ वहां पे, फिर से जाओ जल्दी जल्दी के चक्कर में हो गया वो, फिर से जाओ स्नैपशॉट पॉलिसी में, बैकअप यहाँ पे है हमारा स्नैपशॉट, बैकअप में स्नैपशॉट पॉलिसी में जाओ, इसको एडिट कर सकते क्या? नहीं क्रिएट कर दो, ये छोड़ दो, डिलीट कर दो इसको, बाकी को क्रिएट करो, हाँ फिर से करेंगे, ठीक है, टेस्ट करो, यूजर यूजर, ठीक है, डेली लेना है क्या, डेली आवरली करो, आवरली आवरली वो डेली किया इसलिए वो क्या करेगा, आज का तो स्नैपशॉट है ना, तो वो कल करता था, तो इसलिए नहीं किया उसने, आवरली आवरली करो, टेक्स्ट मेमोरी और 3 मिनट करो, हाँ 2 मिनट कर दो, नहीं तो 2 मिनट करो, ठीक है, आवरली स्नैपशॉट टू की 3 कर दो स्नैपशॉट, अलर्ट कर दो, अलर्ट ठीक है, सक्सेस सेव करो, 2 मिनट के बाद दिखाएंगे, ठीक है, इसको रिफ्रेश करो। यहाँ पे रन में कुछ होना चाहिए क्या, ग्रीन वगैरह होना चाहिए? नहीं नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है, फिर से जाते हैं हम लोग इधर, तब तक एक काम करो, यहाँ पे जाओ होस्ट में, जाओ होस्ट में जाओ, ठीक है, बाद में देख लेंगे, होस्ट में जाओ, होस्ट ऊपर और होस्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, यहाँ पे सर्च करो, ओवर कमिट सर्च करो, सपोज आपके कोई हाई परफॉर्मेंस जॉब आया है, ठीक है, आपके पास, यानी कि ऐसा जॉब आया है कि आपकी जो कमिटेड रैम है ना, आपके DFS को दी हुई, यानी कि जावा को हदूप के लिए जो रैम अलाउ करते हैं, क्योंकि जब भी रैम सेग्रीगेट हो जाती है, ठीक है,
तो आपका जो 30% रैम है ना आपके इसमें चले जाता है, सिस्टम के लिए चले जाता है, ठीक है, और बाकी का रैम चले जाता है आपके डीएफएस को। वो भी कैसे जाता है, जो जो रोल्स असाइन है उसको पे सेग्रीगेट हो जाता है, ठीक है रैम। लेकिन ऐसा कोई टास्क आया कि उस टास्क के लिए क्या हो गया, आपको रैम ज्यादा चाहिए, मतलब एक सेकेंड, हेलो। हाँ तो कैसा होता है, सिस्टम का मेमोरी अलोकेट करना पड़ता है, राइट। सिस्टम का मेमोरी यानी कि टास्क ज्यादा है ना बड़ा, तो टास्क को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, राइट। लेकिन उस टाइम पे हम नया होस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये होस्ट का कॉन्फ़िगरेशन है, पर्टिकुलर होस्ट में जाके ये जो मेमोरी ओवरकमिट है, मतलब आपको सपोज एक एग्जाम्पल लो, ठीक है, आपको 25 GB की रैम चाहिए आपके पास, ठीक है, कितनी है मतलब टास्क कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपके पास लगभग 23-24 के करीब है, तो आप इस तरह से 1-2 GB तो एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है, सिस्टम से। तो हर हर एक होस्ट से वो क्या करेगा, रैम कॉन्फिगर कर लेगा। तो यहाँ पे जाके आपको ये करना ही पड़ता है, ये 0.8 को फिर 1 करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या करो, मैनेज में क्लिक करो, अभी ये बंद कर देंगे, ठीक है, अपन 1 मिनट के अंदर सेशन। यहाँ पे क्या करना है आपको, स्क्रॉल डाउन करो, सब पे करना है कि कैसे करना है वो भी पूछता है आपको, ठीक है। तो सब पे करना है क्या, अपडेट करो, सब पे कर देना है, ठीक है, अपडेट अपडेट करो। हाँ यहाँ पे 1 कर दो, ऊपर 1 कर दो, हाँ सेव कर दो चेंजेस। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है, एडमिन टास्क का काम है ये, क्योंकि जॉब तो पहले होना चाहिए ना, तो सिस्टम से मेमोरी ले लेगा रैम और अपना काम कर लेगा, ठीक है। एक बार वो स्नैपशॉट देख लो फिर बाय, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो टाइमिंग बोलिए। का ना कुछ तो गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है, टाइमिंग का कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इधर, क्योंकि आता इसको कल देख लेंगे, ठीक है, अभी तो टाइम हो गया। हेलो कितने बजे लेफ्ट? सुनो ना चलो भाई, 7 बजे, 8, 8:30, 9 बजे। हाँ बोलिए, हाँ ये बोलिए जो बोलिए। 3-2 है ना, ये उस वक्त लिया था स्नैपशॉट। ऊपर देखो राइट कॉर्नर में 3-12 हो चुका है, ऊपर देखो राइट में वही 3-12 टाइमिंग का अपील कुछ तो है, लोकेशन। क्योंकि ये टाइमिंग लेता का तो है, कुछ करके देखा होगा है मैंने ये बहुत बार, लेता है, लेकिन टाइमिंग का कुछ तो हम गलत कर रहे, तो इससे नहीं ले रहे, ठीक है। ना। लेकिन हाँ ये करो आप, ठीक है, एक बार खुद करो, ट्राई हो जाता है वो, शायद ना हेलो सुनो ना श्रीकांत भाई, वो मतलब एडमिन टास्क में इतना ही रहती है क्या, या और भी कुछ रहता है? वही बहुत है, बहुत जितने सारे कॉन्फ़िगरेशन है ना वो पूरा एडमिन टास्क के, ठीक है। लेकिन अभी मेन मेन जो है वो हम बता रहे हैं आपको, ये मतलब अभी हुआ। और एक कौन, और एक सेशन होगा क्या इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट है? वो नहीं नहीं इम्पोर्टेंट है से क्या? आपने को खुद आर एन डी करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो, अच्छा क्योंकि अब ये होस्ट कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया ना, ये भी आप ले सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो और भी होते हैं, ठीक है, मतलब एडमिन टास्क इतना ही नहीं ना, आपको कॉन्फ़िगरेशन भी चेंजेस करने पड़ते हैं, तो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सेटअप ऑल क्लाउडेरा इतना है, होश है कि क्लाउडेरा सब कुछ करके देता है, ठीक है, एडमिन के लिए कम काम रखता है। तो लेकिन जितना बताया ना उसको जरा एक्सपांड एक्सपांड करते जाओ, मतलब स्नैपशॉट पॉलिसी का बताया, फिर एप्लीकेशन बताया, फिर उसको ज्यादा ठीक है अपन भी भाई, तो, हाँ ठीक आपके है। पास वो मतलब उसका जो ट्रबल शूटिंग जो करना होता है हम लोग का टास्क, उसका कुछ पीडीएफ वगैरह होगा तो सेंड कर दें। अभी तो नहीं है, फिर ले बोल, ढूंढना पड़ेगा उसको मुझको, ठीक है, मैं ढूंढने के बाद कल दे देता हूँ आपको, ठीक है, या सैटरडे को दे देता ब्रो देना आप ब्रो याद से। हूँ, हाँ याद से दे देता हूँ, ठीक है गाइस, थैंक यू, बंद कर दो, ठीक है, बाय, लीव कर दो सब। थैंक यू श्रीकांत।